एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू हाउस वाइफ टेल्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक मुकम्मल नॉवेल लेकर आई हूँ, मगर उससे पहले, जैसे कि आजकल मुझसे बहुत सारे लोग अपने चैनल्स को प्रमोट करने के लिए शाउट आउट्स मांग रहे होते हैं, तो मुझे किसी को मना करना अच्छा नहीं लगता, मगर अब हम यूँ करेंगे कि हम वीकली एक शाउट आउट दिया करेंगे। जिसको मुझसे शाउट आउट चाहिए तो वो मेरा लिंक अपनी लेटेस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करे, मेरा शाउट आउट अपनी वीडियो में ऐड करे, और उसके बाद वो वाला लिंक जिसमें उन्होंने मेरे डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाला है मुझे सेंड कर दें, और उसके साथ ही मुझसे शाउट आउट के लिए रिक्वेस्ट कर दें। तो मैं वीकली लाइनअप करके सबको बारी बारी शाउट आउट दूँगी, मगर आप लोगों को पहले मुझे शाउट आउट देना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी तरह मिल के चल सकेंगे। मुझे भी प्रमोशन की ऑब्वियसली नीड तो है, मेरा कोई चैनल इतना बड़ा नहीं है, तो हम मिल के काम करेंगे, इसी तरह से आपकी और मेरी दोनों की ग्रोथ होगी। तो चलिए, आज हम लोग जिस नॉवेल की रीड करेंगे, उस नॉवेल का नाम है अब मोहब्बत करनी है, और इस नॉवेल को लिखा है राशदा रिफत ने। बात नई थी ना ही गैर मामूली, इस घर में हमेशा से यूं ही होता आया था, फिर जाने क्यों अबीर का दिल हर बार नए सिरे से दुख में मुब्तला हो जाता। बाबा की बेगानगी और बेरुखी का दुख, अपनी बहन और भांजी के आगे उन्हें न कभी कोई नज़र आया था न ही कोई नज़र आना था। वो नसीमा फुप्पो की आंखों से देखते, उन्हीं के कानों से सुनते, और हाँ, जबान भी तो उन्हीं की बोलते थे। मुझे तुम्हारी तंगदिली और कमज़रफी पे हैरत होती है सबीहा, जैसा तुम अबीर के लिए सोचती हो फरवा के लिए क्यों नहीं सोच सकती, वो भी तुम्हारी बेटियों जैसी है ना। कॉलेज के फंक्शन के लिए तुमने अबीर को इतना कीमती सूट खरीद कर दिया, ये भी नहीं सोचा कि जब उसी फंक्शन में मेरी यतीम भांजी पुराना सूट पहनकर जाएगी तो इसके दिल पर क्या गुजरेगी। बाबा कमरे में अम्मी पर बरस रहे थे, अथकुला दरवाज़ा आवाज़ को कमरे तक मुकैद रखने में नाकाम हो चुका था। नसीमा फुप्पो, फरवा और अबीर तीनों की समातों तक अब्बास अहमद की आवाज़ बासानी पहुँच रही थी। तीन में से दो के दिल शादमानी के एहसास से धड़क रहे थे, और तीसरी की आंखों में बार बार नमी चमक रही थी। इसके कान मुंतजर ही रहे कि सबीहा अपनी और इसकी जानिब से कम सफाई के दो बोल बोलने की कोशिश तो ज़रूर करेंगी। बाबा को बताएंगी कि अबीर ने पूरे दो महीनों का जेब खर्च जमा किया था, जब कॉलेज में फरमा अपनी सहेलियों के साथ चना चाट, समोसे और कोल्ड ड्रिंक की दावत उड़ाती थी, तो अबीर माँ के हाथ का बना का आलू का पराठा खाकर पानी की बोतल मुँह से लगा लेती। हालांकि कभी कभार बोतल के अयाशी करने को कितना दिल करता था, लेकिन दिमाग दिल को डपट कर खामोश करवा देता। दो माह की बचत और ईदी के बचे हुए पैसे मिल मिलाकर इतने हो गए थे कि वो अब अपनी सहेलियों जैसा सूट बनवा सकती थी। इन पांचों सहेलियों ने फैसला किया था कि कॉलेज के इस अख्तितामी पार्टी में वो एक जैसे कपड़े पहनकर शिरकत करेंगी। कपड़ों का जो डिज़ाइन मुंतखब किया गया, पाँच में से चार वो आसानी से सिलवा सकती थी। मसला अबीर का था, वो इतना कीमती प्योर शिफॉन का सूट सिलवाते हुए हिचकिचा रही थी। फिर सहेलियों के आगे इसकी एक ना चली, उसने भी वैसा ही जोड़ा सिलवाने पर हामी भर ली थी। अनम ने तो पेशकश भी की थी कि वह अपने टेलर से इसका सूट सिलवा भी देगी, उसने सुनते ही इनकार कर दिया। अनम के टेलर से कपड़े सिलवाने का मतलब था मज़ीद दो ढाई हज़ार की चमाट पर जाना। हाँ तो ठीक है ना, सभी हाँ आंटी को तो खुद कितनी अच्छी सिलाई आती है, अबीर तो कपड़े घर में ही सिलवा लेगी। बीनिश ने अबीर की बात की तायद की तो उसने सुकून का सांस लिया। इत्तेफाक से इसकी सभी दोस्तें खाते पीते घराना से ताल्लुक़ रखती थीं, सब जहीन थी और ये जहानत थी उन्हें करीब लाने का बाइस बनी थी। सभी अच्छे मजाज, अखलाक और आदतों की मालिक थी। इनकी दोस्ती में स्टेटस का फ़र्क कभी आड़े नहीं आया था। ये पहला मौका था कि जब सब पढ़ाई को पसे पुश डालते हुए कॉलेज के इस अलविदाई फंक्शन को यादगार बनाने की कोशिश कर रहे थे और पुरजोश तरीके से तैयारी भी कर रहे थे। अबीर को भी प्यारी दोस्तों की बात मानते हुए ही बनी और उनकी तरह ही तैयारी करनी पड़ रही थी। उसने फरवा से भी पूछा कि वो फंक्शन में क्या पहन कर जाएगी। फरवा की दोस्तों का अलग ही ग्रुप था। अबीर का ख्याल था कि शायद वो लोग भी कुछ इस तरह का प्लान कर रही होंगी, लेकिन अबीर का सवाल सुनकर फरवा ने बहुत लापरवाह से अंदाज में जवाब दिया, पहन लूँगी कुछ भी, ईद वाला सूट भी पहन सकती हूँ, कौन सा कॉलेज में किसी ने देखा है।
मैं तो आजकल बचत कर रही हूँ, ईदी के पैसे भी बचा रखे हैं। अनम, महविश, शिखरा, फातिमा और मैं सब एक जैसा जोड़ा पहनेंगे। उसने फरवा को बताया। जहन में एक खदशा पेश नज़र था कि अगर फरवा को बाद में पता चला कि इसने नए कपड़े सिलवाए हैं तो वह कोई ना कोई रोला ज़रूर डालेगी। फरवा ने इसकी बात सुनकर महज हुनकारा ही भरा था और कोई रद्दअमल ना दिया। अबीर सुकून का सांस लेकर रह गई। फरवा को आगाह करके इसने अपना फ़र्ज पूरा कर दिया था। अब वो भी चाहती तो पैसे जमा करके नया सूट सिलवा सकती थी। अबीर को इल्ज़ाम नहीं दे सकती थी कि उसने उसे अपने इरादे से लाइल रखा था, लेकिन नसीमा पप्पू और फरवा की फितरत के आगे अबीर की सारी पेशबंदियाँ धरी की धरी रह जाती थीं। कॉलेज फंक्शन से ठीक दो दिन पहले जब अबीर का जोड़ा सिलकर तैयार हो चुका, तब नसीमा पप्पू ने भाई के सामने बेटी को लताड़ा था। मामू थके हारे घर लौटे हैं, अब इनके सामने टसमें बहाना शुरू कर देना। जाओ पानी का ग्लास लाओ मामू के लिए। क्या हुआ फरवा, क्यों रोई है? अब्बास अहमद ने भांजी की रोनी सी सूरत देखकर बहन से इस्तफसार किया। इसकी आदत है भाई साहब, लाख समझाऊं समझती ही नहीं। आप छोड़ें इसे, थके हारे आए हैं, अब मैं क्या आपको मज़ीद परेशान करूं? नसीमा ने ठंडी सांस भर के जवाब दिया। इधर आओ फरवा, बताओ क्या मसला है? मामू लाडली भांजी की उदासी का सबब फ़ौरन जानना चाहते थे। छोड़ें भी अब्बास भाई, मामूली सी बात है, कॉलेज में कोई फंक्शन है, सभी भाभी ने अबीर को नया जोड़ा सी कर दिया है। फरवा ने जब से अबीर का सूट देखा है ज़िद कर रही है कि मैं भी फंक्शन के लिए नया सूट सिलवाऊंगी। मैं उसे समझा भी रही हूँ कि चंद घंटों के लिए नया सूट सिलवाने की कोई तुक है भला, अलमारी भरी पड़ी है कपड़ों से, ईद वाला सूट भी नया निकोर पड़ा है, वही पहन ले। सिर्फ एक कॉलेज फंक्शन के लिए हज़ारों रुपये फूँक कर नया जोड़ा सिलवा कर क्यों दूँ इसे? 4-4.5 हज़ार का तो सिर्फ कपड़ा ही आया है, पैसे कोई दरख्तों पर उगते हैं? मेरे भाई के हलाल खून पसीने की कमाई अल्लल तल्लों में बर्बाद नहीं होने दे सकती मैं, नसीमा हुप्पो बोल रही थी। अब्बास अहमद उन्हें खामोशी से सुन रहे थे। अबीर बाप को सफाई देना चाहती थी, उन्हें बताना चाहती थी कि उसने ये सूट खुद पैसे जोड़कर सिलवाया है, लेकिन बाप के सामने इसके लब खुल ही नहीं सकते थे। ये बुजदिली उसे माँ से विरासत में मिली थी। कुछ देर बाद जब अब्बास अहमद बीवी पर बरस रहे थे, तब वो भी लब भींचे बेबसी से शोहर की डांट फुटकार सुन रही थी। कमरे से बाहर आकर अब्बास अहमद ने फरवा को पुकारा। ये लो 4 हज़ार रुपये, बाजार जाओ और अपने लिए अच्छा सा सूट खरीद लाओ, अगर और पैसे लगेंगे तो मैं वो भी दे दूँगा। अरे नहीं मामू, मैं ईद वाला सूट ही पहन लूँगी, फरवा पैसे लेते हुए हिचकिचाई। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, और ख़बरदार आइंदा ऐसी बातों पर रोकर माँ को परेशान किया, जो भी फरमाइश हो मुझसे किया करो। जिस तरह अभी मेरी बेटी है वैसे ही तुम भी हो, उन्होंने भांजी को प्यार भरे अंदाज में डांटा था। थैंक यू मामू जान, फरवा ने इंतहाई मशकूर होकर इनके हाथ से पैसे ले लिए थे। हद करते हैं अब्बास भाई, महीने का आखिर चल रहा है, इस फजूल खर्ची की क्या ज़रूरत थी? बच्चों की हर फरमाइश मानने के लिए नहीं होती, मैं खुद समझा लेती फरवा को, नसीमा खफगी भरे अंदाज में भाई से मुखातिब थीं। अबीर ने निगाहें उठाकर उन्हें देखा, वो किस कदर ड्रामेबाज थी। कभी कभार तो वो वाकई सोचती कि नसीमा पप्पू को टीवी ड्रामों में काम करना चाहिए, अपनी जानदार एक्टिंग के सबब वो बहुत कामयाब अदाकारा साबित होती। जाने अब्बास अहमद क्यों बहन की चलाकियों को ना भांप पाते, और फरवा भी तो माँ का ही परतू थी, मौका परस्त, खुदगर्ज और इंतहा दर्जे की चालाक। अबीर 4 साल की थी जब नसीमा पप्पू बेवा होकर भाई की दहलीज पर आ पहुँची थी। फरवा अबीर की हम उम्र ही थी। अब्बास अहमद ने बेवा बहन और भांजी के सर पर अपना दस्ते शफ़क़त रखा, उनको हर मुमकिन दिलजोई की, शरीक हयात को भी वाशकाफ अल्फाज में बावर करवा दिया कि इनकी बहन और भांजी को इस घर में कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। नसीमा के उक्ते सानी के लिए उन्होंने 2-4 संजीदा कोशिशें की, लेकिन नसीमा दोबारा शादी के खटराक में नहीं पड़ना चाहती थी। अब्दुल वाहिद के साथ उनकी शादी 5 साल चली थी। एक रोड एक्सीडेंट के नतीजे में अब्दुल वाहिद ज़िंदगी की बासी हारा तो नसीमा बेवा कहलाई। अगर अल्लाह अब्दुल वाहिद को मज़ीद ज़िंदगी देता तो गुमान गालिब था कि वो बेवगी के बजाय तलाक़ी याफ्ता कहलाती। शादीशुदा ज़िंदगी की कामयाबी समझौतों की मरहूने मिन्नत होती है, और नसीमा की डिक्शनरी में समझौते का लफ्ज़ शामिल ही नहीं था। 5 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में वो कम से कम 5 बार लड़ झगड़ कर मैके आन बैठी थी। हाँ, बेटी को समझाने बुझाने के बजाय और शह देती थी। माँ अल्लाह को प्यारी हुई तो भाई इकलौती बहन की हिमायत में कमर बस्ता हो गया। उसे बहन सच्ची और मजलूम लगती और इसके ससुराल वाले जालिम तरीन।
अब्दुल वाहिद की हादसाती मौत के नतीजे में नसीमा का बार बार मैके रूट कराने का सबब ख़त्म हो गया और वो मुस्तकिल मैके आ गई। मैके में अब माना थी, लेकिन जान छिड़कने वाला भाई और इंतहा दर्जे की दब्बू भावश थी। सबीहा, जिसको नसीमा पहले कभी खातिर में नहीं लाई थी, न अब उन्हें सबीहा के वजूद से कोई खटका था। सबीहा शोहर के मिजाज और गुस्से से खाइफ होकर नंद की चाकरी पर हमा वक्त कमर बस्ता रहती थी। फरवा भी मामों के घर नाजो नाम से पल रही थी। जब नसीमा को इस घर में हर तरह का आराम हासिल था, तो वह दोबारा ससुराल लाने बला अपने सर पर क्यों मुसल्लत करती। इनके जो भी रिश्ते आए, वो ऐसे मर्दों के थे जो बीवी के इंतकाल के बाद बच्चों की परवरिश के लिए अक़्दे सानी की ख्वाहिश रखते थे। मैं किसी के बच्चे नहीं पाल सकती अब्बास भाई, सौतेली माँ बनकर मैंने सौतेलापन दिखाया तो मुझे रब की पकड़ से खौफ आता है, ना ही कोई दूसरा मेरी बच्ची को सगे बाप का प्यार देगा। मुझे इसी घर के एक कोने में पड़ा रहने दें, आपकी और आपके बच्चों की चाकरी कर लूँगी, बस मुझे एक छत का आसरा दे दें। आँखों में आंसू भरकर उन्होंने भाई को मुखातिब किया। भाई ने जज्बाती होकर बहन को सीने से लगा लिया। ये घर कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा है, और क्यों करोगे तुम हमारी चाकरी? अरे तुम तो मालकिन हो इस घर की, अब्बास ने इनके माथे पे बोसा दिया था। आपकी मोहब्बत ने ही तो मुझे जीने का हौसला दिया है अब्बास भाई, वरना अब्दुल वाहिद के बाद मुझ में जीने की उमंग ही ख़त्म हो गई थी, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। लहद में लेटे अब्दुल वाहिद ने कब्र में कसम साकर एक करवट तो ज़रूर ली होगी। अब्बास साहब ने अपने बहन को अपने घर की मलका करार दिया था, तो इसने हमेशा ख़ुद को मलका ही समझा, लेकिन भाई के सामने ख़ुद को मजलूम तरीन हस्ती ही साबित किया। अबीर ने पप्पू की चलाकियाँ देखते देखते होश संभाला था। हसन और सफियान छोटे थे, फितरतन लाओबाली थे, वो अपने खेल कूद में मगन रहते। अबीर माँ के साथ पप्पू का बर्ताव देख देख कर कुढ़ती रहती। सारा दिन सबीहा कोल्हों के बैल की तरह घर के कामों में जुती रहती, और अब्बास अहमद की घर वापसी के वक्त नसीमा कोई काम लेकर बैठ जाती। दिन भर में इन्हें काम का यही वक्त मुनासिब लगता। भाई से चाय पानी का भी वही पूछती या फिर फरवा को दौड़ाए रखती। मामों को पानी पिलाओ फरी, मामों के स्लीपर लेकर आओ। फरवा भाग भाग कर मामों के काम करके इनका प्यार समेटती, और किसी कोने में खड़ी अबीर हसरत भरी निगाहों से मामों भांजी की मोहब्बत के मुजाहिरों को देखती रहती। माँ की तरह वो भी फितरतन कमगो थी, उसे जज्बात का इजहार ना आता था, दिल की बात दिल में ही रह जाती। कभी अब्बास अहमद की पदराना शफकत उमड़ती और वो बेटी के लाड उठाते, तो फरवा को अबीर की कोई शिकायत लगानी याद आ जाती। आज अबीर ने मुझे अपनी स्टोरी बुक नहीं दी थी मामू, इसके पास इतनी ढेर सारी स्टोरी बुक्स हैं, लेकिन ये मुझसे छुपा के रखती है, मुझे पढ़ने भी नहीं देती, फरमा मुँह बसूर कर शिकायत करती। बुरी बात अबीर, बहन से अपनी चीज़ें शेयर किया करो बेटा, आइंदा मैं इस तरह की बात ना सुनूं, वो उसे तंबीह करते। बाप की तंबीह से वो खाइफ होकर अबीर इकरार में गर्दन हिलाती थी। उन्हें ये ना बता पाती कि वो लाख कोशिश करे, फरवा उसे अपनी स्टोरी बुक्स छुपा ही नहीं सकती। फरवा को इन कहानियों की किताबों से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, वो सिर्फ अबीर को चिढ़ाने के लिए पढ़ती है और कोई स्टोरी बुक फाड़े बिना वापस नहीं करती। लेकिन बाप के सामने अबीर के लफ्ज़ हिल जाते और वो अपनी सफाई में एक लफ्ज़ ना कह पाती। किताबों से इसकी दिलचस्पी वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती गई। फरवा इस पर भी अब्बास अहमद को शिकायत लगाती, मामू कल हमारा टेस्ट है और अबीर तालीम और तरबियत पढ़ रही है। अबीर बुरी बात बेटा, टेस्ट की तैयारी करो, वो अबीर को टोक देते। मैं रोज़ का सबक रोज़ याद कर लेती हूँ, मेरा वीकली टेस्ट तैयार है अम्मी। फरवा को सबक याद ही नहीं होता, इसीलिए उसे वीकली टेस्ट इतना मुश्किल लगता है, कई कई घंटे तैयारी करनी पड़ती है, अबीर बाप के बजाय माँ के कान में मिनमिनाती। जब बाबा कह रहे हैं तो किताबें खोल लो बेटा, टेस्ट और अच्छा हो जाएगा, सबीहा बेटी को प्यार से समझाती। शिकायतों का यह सिलसिला नसीमा पप्पू की मदाखलत पर थमता था। हर वक्त पढ़ाई के मामले पर अबीर की शिकायत करना बंद कर दे फरी, जब अब्बास भाई टेस्ट का नतीजा देखते हैं तो क्या उन्हें पता नहीं चलता कि अबीर के कितने अच्छे नंबर आए हैं? मेहनत की ज़रूरत तुझे है, उसे नहीं, नसीमा ने बेटी को दबी जबान में घुरका था। फरवा ने मुँह बनाकर कंधे उचका दिए। हाँ, इस दिन के बाद से इसने अबीर के मशगले की शिकायत करना तर्क कर दी थी, इसके रिसाले कहानियों की किताबें भी पढ़ने के लिए नहीं मांगती थी। हम उम्र होने के बावजूद न कभी दोनों के दरमियान दोस्ती परवान चढ़ी, न ही उनकी दिलचस्पियाँ और मशागिल यकसां थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ अबीर शऊर की मनाजिल तय करती गई, किताबों से दोस्ती मज़ीद बढ़ती गई। लड़कियों के डाइजेस्टों में छपने वाली अक्सर कहानियों में कोई ऐसा किरदार फरवा को पढ़ने को मिल जाता जिसमें यतीम और यसीर हीरोइन को ज़ालिमता आई चची या मामी के जुल्म सितम सहने पड़ते थे। ऐसी कहानियाँ पढ़कर अबीर के लबों पर फीकी मुस्कुराहट फैल जाती। यकीनन हकीकी ज़िंदगी में ऐसे किरदार पाए जाते होंगे, लेकिन उनके घर में मामला बरक्स था। इसकी माँ अपने ही घर में दबी सहमी रहती थी,
कम उम्र की शादी और मजबूत महका ना होने की वजह से सबीहा में शादी के अव्वल रोज से ही अतमाद की कमी थी। तेज तरार सास ने इकलौते बेटे के लिए अपने गरीब रिश्तेदारों की बेटी इसीलिए ली थी कि बहू कभी उनके सामने सर ना उठा सके। एक शोहर के साथ मोहब्बत और एतमाद भरा रिश्ता इस्तवार हो जाए तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है, लेकिन बेपनाह खूबसूरती के बावजूद अब्बास अहमद की बीवी से ज़हनी हमाहंगी मुमकिन ना हो पाई थी। शरीक हयात के हवाले से उनके जहन में जो खाका था, सबीहा इस खाके पर पूरी ना उतरी थी। अब्बास अहमद को कभी एहसास ना हो पाया कि बीवी इनकी मनपसंद सांचे में न ढल पाई तो कसूरवार सिर्फ़ और सिर्फ अब्बास ही थे। उन्होंने सबीहा को कभी वो अपनायत और मोहब्बत दी ही नहीं थी जिसकी वो हकदार थी। शादी के बाद इसकी ज़ात का रहा सहा एतमाद भी ख़त्म हो गया था। सख्त गिर सास, फितना गर नंद और बेतनाई बरतता शोहर, सबीहा को आफियत इसी में नज़र आती कि वह अपने खौल में सिमट कर घर वालों की जी हुजूरी में लगी रहे। सास के इंतकाल के बाद सूरत हाल बदल गई थी। कान भरने वाला वजूद ना रहा तो अब्बास को बीवी की ज़ात से होने वाली शिकायतें घटने लगी थीं। अबीर की सूरत जी बहलाने को एक खिलौना भी मिल गया था। ये वक्त सबीहा की ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन वक्त था। मियाँ बीवी की बाहमी फासले से मटने लगे थे, लेकिन ये सुनहरा वक्त बहुत जल्द बीत गया। नसीमा बेवगी के बाद हमेशा हमेशा के लिए भाई की दहलीज पर आन बैठी। भाई की हमदर्दी और मोहब्बत समेटने के लिए वह खुद पर खुद साख्ता मजलूमियत तारी किए रखती। अब्बास बेवा बहन और यतीम भतीजी की दिलजोई के लिए अपनी बीवी बच्चों को इनका जायज़ हक और इनके हिस्से की मोहब्बतें देते हुए भी हिचकिचाते। नसीमा की बातों का इतना असर लेते कि उन्हें लगता कि बीवी बच्चों को हकूक देने का मतलब बहन और भांजी की हक तलफी है। भांजी की औलाद की तरह लाड उठाते हुए अपने तय रिश्तों में तवाजुन रखते थे। शऊर की मनाजिल तय करती अबीर बाप की इस कदर गैर मुनसिफाना तबीयत की वजह से किस दुख में मुब्तला हो गई है, अब्बास अहमद कभी इसका अंदाज़ा ही नहीं कर पाए। हसन और सुफियान छोटे थे, फितरतन लाओबाली भी, वो अपनी आप ही की तरह सोच सोच कर ना करते थे। नसीमा भतीजों के लाड उठाती थी। भाई के बाद भतीजों ने ही मुस्तकबिल में इस घर की बागडोर संभालनी थी और यह सोच उसे भतीजों से बुरा सलूक रवा रखने से रोकती थी, लेकिन अबीर के मामले में वो यह सोच अक्सर बदल देती थी। उसे भतीजी से रत्ती बराबर मोहब्बत नहीं थी। अबीर को बेपनाह हुस्न माँ से वरसे में मिला था तो जहानत बाप की तरफ से। पुप्पी इसके हुस्न और जहानत दोनों से खाइफ रहती। अबीर के सामने कबूल सूरत फरवा मजीद आम लगने लग जाती, लेकिन दुनिया के सामने आम को ख़ास और ख़ास को आम बनाने का हुनर कोई नसीमा से सीखता। फरवा को ख़ुद भी लोगों की तवज्जो खींचने का हुनर आता था। आस पड़ोस से आने वाली ख़वातीन होती या दूर और नज़दीक के रिश्तेदार, नसीमा सबके सामने बेटी के सुघड़ा पे सलीगा मंदी फरमा बरदारी के गुन गाती तो बढ़ चढ़ कर खिदमत करती फरवा माँ की बातों पर तस्दीक की मोहर लगा देती। उसे पहने ओढ़ने का ढंग भी आता था। अपनी शख्सियत को जाज़िब नज़र बनाने का सलीका और गुफ्तगू के फ़न से आशनाई। कम गोसी अबीर इसके सामने बिल्कुल पसे मंजर में चली जाती। सर पर माँ बाप का साया सलामत हो तो इस उम्र की बच्चियाँ ऐसा ही मिजाज रखती हैं। भाभी ने भी लाडली बेटी को सर चढ़ा रखा है। मैं दबी दबी जबान में समझाती भी हूँ कि लड़कियों के इतने नखरे नहीं उठाए जाए। ऐसे शहाना मिजाज की बच्चियाँ ससुराल में आसानी से एडजस्ट नहीं हो पाती, लेकिन भाभी भी मेरी किसी बात का असर नहीं लेती। और सच्ची बात तो यह है कि मुझे इससे ज़्यादा बोलने की ताब भी नहीं। भाई भावच के दर पे पड़ी हूँ, मुझ गरीब के सर पर हाथ रखा हुआ है। इनका ये बहुत बड़ा एहसान है फहमीदा आपा, नसीमा आज़रदगी भरे लहजे में चचाजात बहन से मुखातिब थी। फहमीदा के शोहर फौज में थे। मुलाजमत का अरसा शहर शहर घूम कर गुजरा। फौज से रिटायरमेंट के बाद एक निजी इदारे से मुंसलिक हो गए। अब जबकि इनके बच्चे पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी में इस्टेब्लिश हो गए थे, तौफीक भाई ने प्राइवेट नौकरी को भी खैर बात कह दिया और वापस अपने आबाई शहर आवसे। दो बेटियों की शादी के फ़र्ज से सुबुकदोष हो चुके थे। इकलौते बेटे ने तालीम मुकम्मल करने के बाद नौकरी के बजाय कारोबार का फ़ैसला किया था। महदूद पैमाने पर एक दोस्त की शराकत में शुरू किया गया कारोबार अब खूब फल फूल रहा था। फहमीदा आपा और तौफीक भाई ने अपने आबाई मकान की असर नौ तामीर करवाई थी। शानदार घर, बड़ी सी गाड़ी, नौकर चाकर, गर्ज इन लोगों का लाइफस्टाइल ही बदल गया था। नहीं बदला था तो इन दोनों मियाँ बीवी का मिजाज अब भी रिश्तेदारों से इसी मोहब्बत और अपनायत से मिलते थे। नसीबा भी इनके हाँ 15-20 दिन बाद एक चक्कर लगाना नहीं भूलती थी। अक्सर व बेशतर फरवा भी उनके हमराह होती। वलीद से सामना तो शाज़ो नादिर ही होता, लेकिन माँ की हिदायत पर फरवा फहमीदा खाला के खूब आगे पीछे फिरती थी। फहमीदा ने आज भी उन्हें बसद इसरार रात के खाने पर रोक लिया था। ठीक है, हम डिनर तक रुक जाते हैं, लेकिन शर्त यह है खाला कि आज खाना मैं बनाऊंगी। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपने खाना पकाने के लिए जो मुलाजमा रखी है वो बिल्कुल मज़े का खाना नहीं बनाती। फरवा ने बहुत अपनायत भरे अंदाज़ में उन्हें मुखातिब किया।
तुम सही कह रही हो बेटा, नसरीन को इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता, लेकिन भरोसे वाली औरत है। बस इसीलिए घर की जिम्मेदारियाँ उसे सौंप रखी है। घुटनों के दर्द की वजह से मैं तो बिल्कुल लाचार हो गई हूँ। वलीद भी कहता है अम्मी कोई प्रोफेशनल कुक रख लेते हैं, लेकिन मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि बेटा जी, इस घर को बावर्ची की नहीं बल्कि बहू की ज़रूरत है। शादी पर हामी भरो तो मैं फ़ौरन बहू ले आऊँ। फहमीदा मुस्कुराते हुए कह रही थी। नसीमा और फरवा ने एक दूसरे को देखा था, फिर नसीमा ने फहमीदा की बात आगे बढ़ाई। ठीक कह रही हैं फहमीदा आपा, अब खैर से वलीद की शादी हो जानी चाहिए, यही मुनासिब उम्र है। वैसे कोई लड़की है आपकी नज़र में? नसीमा ने बहुत अपनाइयत से दरियाफ्त किया। लड़की ढूंढने का मरहला बाद में आता है नसीमा, अभी तो वलीद शादी पर हामी ही नहीं भरता। कहता है अभी सारी तवज्जो कारोबार को देना चाहता हूँ, काम पूरी तरह इस्टेब्लिश हो जाए तब ही शादी का सोचूंगा। लेकिन भाई अब मुझसे तो और सब्र नहीं होता, मेरी तो यही आरजू है कि जल्द अज जल्द अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाऊँ और पोते पोतियों से जी बहलाऊँ। आप बेटे की माँ है ना फहमीदा आपा, बेटे की शादी तो वाकई आंगन में रौनक बढ़ाने का सबब बनती है। आह मुझ बदनसीब को देखिए, औलाद के नाम पर एक बेटी, इसकी शादी का सोचती हूँ तो दिल कांप जाता है। जाने इसका नसीब कहाँ जुड़े, सर पर ना बाप का साया ना भाई का सहारा। बस हर घड़ी अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि मेरी बच्ची किसी शरीफ और नेक लड़के से शादी कर ली जाए, उसे कदरदान ससुराली मिले। मुझ जैसा नसीब ना मिले, 5 साल शादीशुदा ज़िंदगी में पहले ससुराल वालों ने झिझकिए रखा, फिर शौहर ही अल्लाह को प्यारा हो गया। हम माँ बेटी को तो एक अल्लाह का ही आसरा है। नसीमा की आवाज़ रुंध गई थी। अब्बास ज़रा ख्याल नहीं रखता तुम लोगों का, फहमीदा को तासुफ ने आंख घेरा। अब्बास भाई से क्या शिकवा, बाल बच्चों वाले हैं, इनका यह एहसान क्या कम है कि घर के एक कोने में हमें इजाज़त दे दी है रहने की। अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे, मैं तो इनके एहसानात के बोझ तले दबी हर घड़ी इनके लिए दुआगो रहती हूँ। फरवा को भी यही समझाती हूँ कि छोटी छोटी बातों पर कुड़ना छोड़ दे, सबीहा भाभी और अबीर का मिजाज बदल तो नहीं सकता ना, फिर फरवा को जलने कुड़ने का फ़ायदा। नसीमा ने ठंडी सांस भरते हुए कहा था। लोगों की हमदर्दियाँ बटोरने में उन्हें मलका हासिल था। फहमीदा के यहाँ दोनों माँ बेटी तवातुर से चक्कर लगाने लगी थी। जब कभी किस्मत से वलीद से सामना हो जाता तो फरवा के दिल की कली खिल जाती। वो अपने काम से काम रखने वाला बंदा था, नसीमा को अदब से सलाम करके फरवा का हाल अहवाल दरियाफ्त करता और बस। फरवा को पता था कि इस घर में जगह बनाने के लिए उसे फहमीदा के दिल में जगह बनानी होगी, इसीलिए उसने फ़िलहाल तवज्जो का मरकज़ फहमीदा खाला को ही बना रखा था। इनके यहाँ आती तो किचन के कामों के साथ फहमीदा की हर मुमकिन खिदमत गुजारी करती। आपके बाल कितने रूखे हो रहे हैं खाला, मैं आपके सर में तेल लगा दूँ, फहमीदा उसे दुआएं देती नहीं थकती थी। नसीमा बेटी की कारगुजारी से पूरी तरह से मुतमईन थी, अपनी बेटी के लिए उन्होंने ऐसे ही ऊंचे घराने का ख्वाब देख रखा था। अबीर ने अपनी सारी तवज्जो पढ़ाई की जानिब मबजूल कर रखी थी, लेक्चरार बनना इसका ख्वाब था। दिन रात मेहनत करके पेपर्स दिए, रिजल्ट हस्बे तवक्को आया। शानदार रिजल्ट से ज़्यादा खुशी उसे बाप के प्यार से मिली थी। होश संभालने के बाद शायद पहली बार बाप ने इसका माथा चूमकर उसे दुआओं से नवाजा था, वो इसकी कामयाबी पर खुश थे। नसीमा मोहब्बत के इस मुजाहे पर जुजबुज तो हुई मगर कुछ बोलने से गुरेज किया। लेकिन जब अबीर ने मज़ीद पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी जाने की बात की तब नसीमा इसकी ख्वाहिश के आड़े आ गईं। उन्होंने बराह रास्त अबीर के हवाले से बात ना की, लेकिन बात बहुत तरीके से की। बाहर का माहौल बच्चों के लिए सही नहीं रहा अब्बास भाई, फरवा भी यूनिवर्सिटी जाने की ज़िद कर रही थी लेकिन मैंने उसे समझा बुझा के मना कर दिया है। आए रोज़ अखबार और टीवी में ऐसी खबरें आती हैं कि दिल दहल जाता है। हमारी बच्चियाँ बहुत मासूम हैं, इन्हें ज़माने की हवा छू कर नहीं गुजरी, यूनिवर्सिटी भेजने को मेरा तो जी नहीं मानता। फिर कल की बच्चियों को शादी हो जानी है, 4 पैसे इसके लिए भी तो जोड़ने हैं, आप एक अकेले कमाने वाले। नहीं अब्बास भाई, मैं तो आप पर फरवा की पढ़ाई का मज़ीद बोझ नहीं डालूंगी, अबीर का जी करता है तो उसे आगे ज़रूर पढ़ाएं, लेकिन सभी भाभी से कह दें कि उसे ज़माने की ऊंच नीच समझा कर मखलूत तालीमी इदारे में पढ़ने भेजें। इज़्ज़त कमाने में बरसों लग जाते हैं अब्बास भाई, और गंवाने में चंद पल। बाहर की दुनिया में मासूम भोली भाली बच्चियों को वरगलाने वाले बहुत। नसीमा बहुत बर्दबारी से भाई को समझा रही थी, बात अब्बास भाई की समझ में क्यों नहीं आती। अबीर को फिर यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त न मिली, बाप का हुक्म सुनकर अबीर शशतर रह गई। मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं अम्मी, आगे पढ़ना मेरा ख्वाब है, बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो माँ के सामने रो पड़ी। तुम्हारे बापा पढ़ने से मना नहीं कर रहे हैं, कहते हैं किताबें ला दूंगा, जहीन है अभी घर बैठ के पढ़ लेगी तब भी आसानी से पास हो जाएगी। सबीहा ने बेटी से निगाहें चुराते हुए उसे शौहर का पैगाम सुना दिया। जो सब्जेक्ट्स मेरे हैं वो घर बैठ के नहीं पढ़े जा सकते ना अम्मी, टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, आप बात करें बाबा से, समझाएं उन्हें, वो माँ से एक नामुमकिन काम करने को कह रही थी।
अगर फरवा आगे पढ़ने का कहती तो फिर तुम्हारे यूनिवर्सिटी जाने की राह खुद ब खुद हमवार हो जाती, लेकिन अब तुम्हारे बाबा कभी भी नहीं मानेंगे। सभिया ने उसे बेचारगी से हकीकत बयान की। फरवा को ना तो आगे पढ़ने का शौक़ है, ना इसके नंबर ऐसे आए हैं कि उसे आराम से आगे एडमिशन मिल सके, लेकिन मेरे तो सारे ख्वाब ही अधूरे रह जाएंगे अम्मी। अबीर बेबसी की इंतहा पर थी। फिर इसने हिम्मत करके खुद अब्बास अहमद से बात की। वहाँ से उसे वही जवाब मिला, वो घर बैठकर प्राइवेट इम्तिहान दे दे। लेकिन बाबा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का प्राइवेट इम्तिहान नहीं दिया जा सकता, उसने अपने पढ़े लिखे बाप को समझाना चाहा। जाने ये आसान सा नुकता उनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा था। तो मज़ामीन बदल लो, मकसद डिग्री का हुसूल है ना, वो तुम्हें किसी आसान मजमून में इम्तिहान पास करके भी मिल जाएगी। अब्बास अहमद ने खतियत भरा जवाब दिया। अबीर लब को चलती आंसू पीती वहाँ से वापस पलट आई। इसकी सब सहेलियों ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, वो इसके बगैर उदास थी। अबीर उनसे बढ़कर रंजीदा, लेकिन इसके बस में कुछ नहीं था। बाप की नसीहत पर अमल करते हुए इसने ऐसे मजमून का इंतखाब कर लिया जिसकी घर बैठ कर तैयारी मुमकिन थी, लेकिन सच ये था कि वो डिप्रेशन के शदीद फेस से गुजर रही थी। ऐसे में इसकी किताबें ही इसकी दिलजोई का बाइस बनी। पहले पढ़ाई की वजह से लाइब्रेरी जाने का सिलसिला तातुल का शिकार था, अब वो बाकायदगी से लाइब्रेरी जाके किताबें इशू करवाती। अब्बास अहमद ने इसके इस मशगले को कभी रोक टोक नहीं की थी। मुताले की आदत ने इसकी सोच में वसत पैदा की थी। खुद तरसी की कैफियत रफ्तार रफ्तार ख़त्म होने लगी। दुनिया में लोग बड़े बड़े धक्कों और अजियतें खाने के बाद इस ज़िंदगी से निमटते हैं। अब उसकी ज़िंदगी इतनी काबिल तरस भी नहीं थी। शुक्र करने को बहुत से पहलू थे, शिकवे के बजाय शुक्र को शार बनाने का दर्स देने वाले अशफाक अहमद इसके पसंदीदा तरीन अदीब थे। इनकी सारी किताबें पढ़ लेने के बाद वो अब इनकी हमदम ओ दम सास बानो कदसिया के कलम से इनकी दास्तान हयात पढ़ने की मुतमन्नी थी, लेकिन एक महीने में 5वां चक्कर लगा लेने के बावजूद राह रवान न मिल पाई थी। बेटा, आप कोई दूसरी किताब इशू करवा लो, दरअसल ये किताब जिन साहब के पास है वो बार बार रीइशू करवाए जा रहे हैं, वरना मैं वो किताब यकीनन आपको ही देता। अधेड़ उम्र लाइब्रेरियन जो इस प्यारी और तमीज़दार सी बच्ची से बखूबी वाकिफ था, शफकत भरे लहजे में इससे मुखातिब हुआ। ज़ाहिर है अंकल, मैं कोई और किताब इशू करवा ही लूँगी, लेकिन ये किताब जिन साहब के पास है उन्हें लाइब्रेरी को वापस लौटानी तो चाहिए। यूँ बार बार इशू करवाना कोई तरीका है भला? वो इस अनजान और अजनबी शख्स पर खफा हुई थी। इसके जाने के बाद लाइब्रेरियन काउंटर पर दूसरे शख्स की जाने मुतवज्जा हुआ। अच्छा किया मोहतरम जो आपने किताब के ऊपर दूसरी किताब रख ली, वरना बच्ची को इल्म हो जाता कि किताब रीइशू करवाने वाले साहब आप ही हैं। और याद रखिए, आज मैंने आखिरी बार रीइशू करवाई है ये किताब आपको, मुकर्रर तारीख तक किताब लौटा दीजिएगा, उसे पढ़ने का दूसरों को भी हक है। लाइब्रेरियन ने ज़रा खुश्क लहजे में मौसूफ को मुखातिब किया। मुखातिब ने मुस्कुरा कर इस्बात में सर हिला दिया। वो अदीमुल फुर्सत था, चाहने के बावजूद किताब मुकम्मल ना कर पाया था, इसीलिए आज एक बार फिर रीइशू करवा ली थी। घर आकर फुर्सत मिलने पर किताब खोली तो फौरन इस प्यारी सी लड़की का ख्याल आया। वो उसे 2-3 बार पहले भी इस लाइब्रेरी में देख चुका था। आज इसकी आवाज़ सुनने का भी इत्तेफाक हो गया। वो वाकई फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो लड़की ज़्यादा प्यारी है या उसकी आवाज़, या फिर उसकी शख्सियत इतनी मशहूर कौन है कि वो उसे सोचे ही जा रहा था। सादा मासूम सी पुरवकार लड़की जो अपनी हम उम्र दूसरी लड़कियों से कदरे मुख्तलिफ थी, उसे यकीनन मुताले का जुनून की हद तक शौक था। और हैरतअंगेज़ बात यह थी कि इस लड़की की पसंद एहन इसकी पसंद जैसी थी। आज वो जो किताबें लौटाने आई थी, इन किताबों का शुमार भी इसकी पसंदीदा किताबों में होता था। इस रात सोने से पहले वो बहुत देर तक इस अनजान लड़की को सोचता रहा। ऑफिस की मसरूफियात की वजह से वो अगला पूरा हफ्ता लाइब्रेरी न जा पाया था। छुट्टी वाले दिन इस आस पर लाइब्रेरी गया कि फिर से इसका सामना हो सके। अपनी दिली कैफियात पर वह खुद हैरान था। लड़की लाइब्रेरी में नज़र नहीं आई तो बोझल दिल के साथ वापस आ गया। आज उसने राह रवा भी लाइब्रेरियन को लौटा दी। हालांकि गुजरे हुए हफ्ते में भी उसे मुकम्मल पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली थी, लेकिन वो इस कामनी सी लड़की को मज़ीद इंतज़ार की कोफ में मुब्तला नहीं करना चाहता था। अगली शाम वो ऑफिस से वापसी पर अपने एक दोस्त के वालिद के अयादत की गर्ज से हॉस्पिटल गया तो इंतज़ार गाह में ही वो लड़की बैठी नजर आई। वो फैसला नहीं कर पाया कि वो अचानक उसे देखकर वो हैरत से दो चार हुआ है या फिर बेतहाशा खुद। लोग सही कहते हैं, दुनिया गोल होती है। और जब वो अपने दोस्त के वालिद की अयादत करके वापस लौट रहा था तो फार्मेसी के पास वो लड़की फिर से खड़ी नजर आई। इसके हमराह एक खातून थी। खातून का चेहरा कदरे शनासा लगा। इसने जहन पर जोर देकर उन्हें पहचानना चाहा। जहन ने फौरी तौर पर तावन ना किया। घर पहुंचकर इसका जहन क्लिक हुआ। ओह, तो वो दोनों वो थी। दुनिया तो वाकई गोल होती है यार, उसने मुस्कुराते हुए खुद कलामी की। फिर माँ को फ़ोन मिलाया। आज माँ से करने को इसके पास बहुत सी बातें थीं।
नसीमा अपनी मामूली सी बीमारी को बढ़ा चढ़ाकर बयान करने की आदी थी। दिल की जानब मामूली से दबाव उन्हें मुतहवश कर गया था। उन्होंने फरवाज से कहा कि वो इसके साथ करीबी हस्पताल चले। मैं तो आज पिज़्ज़ा और शवरमा बना रही हूँ अम्मी, अबीर फारिग है, आप अबीर को साथ ले जाएं। फरवा ने माँ को फौरी मशवरे से नवाजा था। वो बेटी की बदलहाजी पर खफा तो हुई, जिससे माँ की तकलीफ़ की परवाह ही नहीं थी। अब्बास मामू को फ़ोन कर दें, वो ऑफिस से जल्दी उठाएंगे और आपका तसल्ली से चेकअप भी करवा देंगे। फरवा ने एक और मुफ्त मशवरा दिया था। मैं आपके साथ चलती हूँ पुप्पो, अबीर ने उन्हें मुखातिब किया। बाप थका हारा आता है घर। इनकी थकन के पेश नज़र इसने फरवा की बात की तायद करते हुए साथ चलने की पेशकश कर डाली। नसीमा ने भतीजी का साथ ही गनीमत जाना और इनके साथ चेकअप करवाने चली गई। डॉक्टर ने दर्द को गैस ट्रबल का नतीजा करार दिया था। नसीमा ने घर आकर डॉक्टर की बात को गोल करते हुए दिल में होने वाले दर्द को टेंशन का नतीजा करार दिया। बहुत लंबे चौड़े टेस्ट करने को कह रहा था डॉक्टर। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, जब गुंजाइश होगी तो करवा लेंगे टेस्ट भी, बहुत लापरवाह से अंदाज में अब्बास अहमद को बताया गया। गुंजाइश का क्या सवाल नसीमा, अगर टेस्ट ज़रूरी है तो फ़ौरन करवाओ, मैं कल ही तुम्हें पैसे दे दूँगा। और टेंशन किस चीज़ की लेनी है, हज़ार मरतबा कह चुका हूँ फरवा मेरी बेटी है, इसकी शादी का सोचकर परेशान मत हुआ करो, मुनासिब वक्त आने पर बच्चियाँ अपने घरों की हो ही जाएंगी, अब्बास ने रसानियत भरे अंदाज में बहन को समझाया। बिन बाप की बच्ची है अब्बास भाई, बस ये सोचकर ही परेशान होती हूँ कि अगर मैं भी ना रहूँ तो क्या बनेगा मेरी बच्ची का, मेरी आंखों के सामने ही अपने घर बार की हो जाए, वो गुलूगीर लहजे में बोली थी। भाई के सामने बार बार ये तस्करा छेड़ने का यही मकसद था कि वो अबीर से पहले फरवा की शादी का सोचें, इनकी फरवा धूमधाम से रुखसत होती तो भले से अब्बास भाई अबीर को कहीं भी ब्याह देते। नसीमा भाई की जमा पूंजी से अपनी बेटी का फ़र्ज़ पहले निपटाना चाहती थी, रिश्ता तो अपनी दानिश में वो ढूंढ ही चुकी थी। फहमीदा आपा का बेटा वलीद, फरवा बहुत तेज़ी से फहमीदा आपा के घर और दिल में जगह बना रही थी। वलीद एक दो बार इसके हाथ के जायके और कुकिंग की महारत को सराह भी चुका था। फरवा इसकी तारीफ पर फूले से खुशी से फूली नहीं समाती थी, अब वो मज़ीद तनदही से अपने मिशन पर कारबंद थी। जब शोहर के दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है तो यकीनन मुमकिन है शोहर के दिल का रास्ता भी यही हो सकता था। फरवा पहले नित नई तरकीबें घर में ही आजमाती, फिर फहमीदा खाला के घर जाकर अपनी महारत की धाक बिठाती। सभीया किचन का राशन जल्द ख़त्म हो जाने पर परेशान थी, शोहर से मज़ीद पैसों का तकाजा करती तो वो किफ़ायत शियारी पर लंबा लेक्चर देते, बताते कि कमाना आसान नहीं और ये कि पैसे दरख्तों पर नहीं उगते। सभीया शोहर को बताना पाती कि इनकी भांजी का मशगला किचन के अखराजात में इजाफे का बाइस बनता है। खाना पकाने का चार्ज पहले नसीमा के हाथ में था, सभीया की हैसियत मददगार की सी थी। सब्जी बनाना, आटा गूंदकर रोटी पकाना, गोश्त वगैरह धो देना, किचन की सफाई सुथराई, बर्तन धोना, ये सब काम सभीया करती थी। नसीमा सालन बनाकर यूँ जाहिर करती जैसे किचन की सारी जिम्मेदारी उनके ही सर पर है, लेकिन नसीमा का दौर फिर भी गनीमत था। किचन के अखराजात तो कंट्रोल में थे, अब फरवा ने किचन का चार्ज संभाल लिया था तो महीने भर का राशन दिनों में ख़त्म हो जाता था। वो देसी खानों के साथ विदेसी खाने भी बनाना सीखती, दो चार बार चीज़ ख़राब बनती फिर महारत आ जाती। सभीहा किचन का फैलावा समेट समेट कर थक जाती। आप क्यों खुद को थकाती हैं अम्मी, फरवा को कुकिंग का शौक़ है तो उसे कुकिंग के बाद किचन समेटना भी आना चाहिए, अबीर ने माँ को मुखातिब किया था। ये बात नसीमा के कान में भी पड़ गई। माँ का इतना ख्याल है तो फरवा का हाथ खुद बटा दिया करो ना, वो बेचारी तुम सबके लिए तरह तरह के पकवान पकाने में हलकान हुई रहती है। तुम चार बर्तन नहीं धो सकती, मेरी बच्ची ससुराल जाकर ये पढ़ाई वगैरह कुछ काम नहीं आती, घर के काम आते हों तभी ससुराल में औरत की कदर होती है। जैसे तुम्हारी माँ जब फूड़ है वैसे ही तुम फूड़, माँ से कुछ ना सीख सकें तो पुप्पी से ही सीख लो, बहन के पास खड़ी हो जाया करो ताकि तुम्हें भी कुछ पकाना आ सके। नसीमा नखूद भरे अंदाज में भतीजी से मुखातिब थी। आपको तो इतना अच्छा खाना बनाना आता था फुप्पो, फिर भी आपके ससुराल वालों ने आपकी कदर नहीं की, ना चाहते हुए भी अबीर के मुंह से फिसल गया। नसीमा ने इतनी सी बात का राई का पहाड़ बनाकर अब्बास अहमद के सामने वो आंसू बहाए कि अबीरा की शामत आ गई। अब्बास अहमद ने बेटी को बहुत बुरे तरीके से डांट कर फुप्पी से माफ़ी मांगने को कहा, साथ ही ऑर्डर दिया कि वो फरवा का हर मुमकिन हाथ बटाया करे। नसीमा और फरवा के चेहरे पर फातेहाना मुस्कुराहट दौड़ गई। मुझसे गलती हो गई पुप्पो, मुझे गुफ्तगू में तहजीब का दामन नहीं छोड़ना चाहिए था, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, वो निगाहें झुकाए इनसे मासरत कर रही थी। अरे पगली, मेरा यह मकसद थोड़ी था, सच्ची बात तो यह है कि तू मुझे फरवा से ज़्यादा प्यारी है, नसीमा ने उसका सर थपथपाया था। ठीक है पप्पो, अब मैं आपसे कुकिंग सीखूंगी, एक दिन खाना मैं बनाऊंगी और एक दिन फरवा, जिस दिन मैं खाना बनाऊंगी किचन की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी,
अगले दिन किचन फरवा संभालेगी तो मैं दूसरे कामों में अम्मी का हाथ बटाऊंगी, ये ठीक रहेगा ना बाबा? बाप की डांट को तहमुल से बर्दाश्त करके अब वो तमीज़ से अदब से बाप से पूछ रही थी। यकीनन तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। इस बार अब्बास अहमद भी ज़रा सा मुस्कुरा दिए। ज़िंदगी में पहली बार अबीर ने बाप के सामने इस एतमाद का मुजाहिरा किया था। फरवा इसकी बात सुनकर जुसबुस तो हुई लेकिन माँ ने उसे आँख के इशारे से चुप रहने का इशारा कर दिया। ये अबीर बहुत चलाक नहीं होती जा रही अम्मी, फरवा ने बाद में माँ को मुखातिब किया। अरे करती रही चलाकियाँ हमारी बला से, अब कौन सा तूने इस डरबे जितने घर में ज़्यादा अरसा गुजारना है। मेरी बेटी तो महलों पे राज करने के लिए पैदा हुई है। नसीमा ने बेटी की आंखों में मज़ीद खुश रंग सपने सजा दिए थे। फरवा मुस्कुरा दी। अच्छा अम्मी मुझे पैसे चाहिए, मैगजीन से एक डिज़ाइन नोट किया है, बिल्कुल वैसा सूट सिलवाऊंगी और इस बार फहमीदा खाला के हाँ वही पहन कर जाऊंगी। संडे को चलेंगे, वलीद भी घर पे होगा ना, इसने प्रोग्राम सेट किया। हाँ तो ठीक है, अब्बास भाई ने मुझे डॉक्टर के यहाँ जाने और टेस्ट करवाने के लिए जो पैसे दिए हैं इनसे तेरी शॉपिंग करवा दूँगी। कल डॉक्टर का बहाना बनाकर घर से निकलेंगे, कपड़ा खरीद कर बाहर के बाहरी दर्जी को डाल देंगे, किसी को भिनक भी नहीं पड़ेगी। और अगर मामू ने टेस्ट की रिपोर्ट देखने को मांग ली तब क्या कहेंगी? फरवा ने नुक्ता निकाला। कह दूँगी कुछ भी, वो तेरा मसला थोड़ी है। और कौन सा तेरा मामू MBBS डॉक्टर है? पुरानी रिपोर्ट्स नुस्खे निकाल कर सरसरी सा दिखा दूँगी, असल रिपोर्ट तो मैंने ज़बानी कलामी ही देनी होती है ना, चार बीमारियाँ और निकाल कर बता दूँगी। नसीमा ने अपनी बात से खुद लुत्फ लेते हुए बेटी को मुस्कुरा कर मुखातिब किया। फरवा भी खुलकर हंस पड़ी थी। दोनों माँ बेटियों की मेहनत रंग लाने लगी थी। पहले फरवा से रस्मी अलग सेलेक्ट करने वाला वलीद अब कदरे बेतकल्लुफी और अपनायत से गुफ्तगु करने लगा था। इसके हाथ के जायके का तो वो शुरू से ही मोतरफ था, अब मज़ीद खुलकर सराहने लगा। फरवा ने किचन के साथ साथ घर की तज़ीन और आराइश में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। फहमीदा सीधी सादी खातून थी, इंटीरियर डेकोरेशन से कतई नावाकिफ़। फरवा ने ही वलीद की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई थी। महज महंगा फर्नीचर और साजो सामान खरीद लेने से कुछ नहीं सचता घर तो कभी भी नहीं वलीद, इतना प्यारा बना हुआ घर सजाने के लिए कोई तो होना चाहिए और इसकी सजावट होनी चाहिए, उसने बहुत अपनायत भरे अंदाज में वलीद को मुखातिब किया। बिल्कुल सही कह रही हो यार, लेकिन मेरे पास इन मामलों पर तवज्जो देने की फुर्सत ही नहीं होती। दोनों आप यहाँ इतनी दूर बैठी हैं कि साल 6 महीने से पहले चक्कर नहीं लगा सकती, और अम्मी को तो इन चीज़ों से कोई इंटरेस्ट ही नहीं, ना इनकी सेहत इन बखेड़ों में पड़ने की इजाज़त देती है। अब बताओ मैं क्या करूँ? अगर माइंड ना करो और ज़रा सा वक्त दो तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर घर की सेटिंग करवा दूँ। कम अज़ कम ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और लाउंज को तो एक नए लुक की ज़रूरत है ही। ग्रेट आइडिया यार, मैं माइंड क्यों करूँगा? वलीद फ़ौरन राज़ी हो गया। उसने वलीद के साथ मिलकर घर की तज़ीनों और आराइश का सामान ख़रीदा, कुछ का ऑर्डर दिया, लेकिन चंद ही दिनों में घर वाकई सच गया था। फहमीदा उसे दुआएँ देती ना थकती थी, तो वलीद भी इस मामले में इसकी ज़ाती दिलचस्पी लेने पर इसका मरहूने में न था। कैसी बातें करते हो वलीद? फहमीदा खाला मेरे लिए मेरी सगी खाला जैसी हैं, वो मुझे बेटी कहती हैं तो मैं ख़ुद को इनकी बेटी की जगह ही समझती हूँ। इस घर में आकर मुझे कभी खैरियत का एहसास नहीं हुआ, इसीलिए गैरों की तरह शुक्रिया अदा मत करो, उसने खफकी से वलीद को टोका था। मैंने ख़ुद तुम्हें इस घर का हिस्सा बनाना चाहा है फरवा, लेकिन अम्मी को मेरी तजवीज़ गैर मुनासिब लगती है, उन्हें लगता है नसीमा खाला नाराज़ हो जाएंगी, लेकिन मेरा मौक़िफ़ है कि हम गैर ज़रूरी थोड़ी हैं, बात करके देखने में क्या हर्ज है। लेकिन वलीद बोल रहा था और फरवा पर शादी मर्ग तारी हो रही थी। इसी लम्हे वलीद की ज़रूरी कॉल आ गई, वो एक्सक्यूज़ करते हुए कॉल सुनने लगा, लेकिन फरवा अपनी जगह खड़ी की खड़ी रह गई। मकसद का हुसूल इतनी जल्दी मुमकिन हो जाएगा, ये इसके गुमान में भी नहीं था। इसका जी चाहा वहीं पर खुशी से भंगड़ा डालने लगे, लेकिन अंदरूनी खुशी को छुपाते हुए वह मतानत भरे अंदाज में मुस्कुराती माँ और फहमीदा के पास आई थी। वहाँ भी वलीद की शादी का मौसू छिड़ा हुआ था। बस नसीमा, खुदा का शुक्र वलीद ने शादी के लिए हाँ कर दी, साथ खैरियत के इस मरहले से निपटूँ तो फिर उम्रे के लिए जाऊँगी। चलें अम्मी, शाम गहरी होती जा रही है, घर चलें? फरवा ने माँ को मुखातिब किया था। हाँ वाकई काफ़ी देर हो गई है, वलीद के दोस्त ने मिलने आना है वरना वह तुम लोगों को छोड़ आता, ड्राइवर आज छुट्टी पर है। मैं वलीद से कहती हूँ फ़ोन करके टैक्सी मंगवा दे। फहमीदा खाला बेटे को कहने के लिए उठ गई। क्या ज़रूरत थी अभी जाने का शोशा छोड़ने की? कितने अरसे बाद तो फहमीदा आपा मतलब पर आई थी, नसीमा ने दबी जबान में बात की। मैंने जानबूझकर गुफ्तगु का सिलसिला तोड़ा है अम्मी, आपकी बेटी इतनी अर्जा नहीं कि फहमीदा खाला जूती घिसे बिना अपनी नशिस्त पर बैठे बैठे रिश्ते की बात कर लें। बात बाकायदा तरीके से होगी अम्मी, फहमीदा खाला अब्बास मामों के पास जाकर मेरा बाज़ाब्ता रिश्ता मांगेंगी, आप ज़रा सब्र तो करें।
वो खुशी से खनकते लहजे में धीमे से अंदाज में माँ से मुखातिब थी। फहमीदा को वापस आता देखकर माँ बेटी खामोश हो गई। घर वापस जाकर फरवा ने माँ को पूरी बात बताई। शुक्र मेरे मौला, तूने मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। फहमीदा की बात सुनकर और वलीद की बात सुनकर नसीमा फौरन खुदा की शुक्रगुजार बंदी बनी थी। अब दोनों माँ बेटी को इंतज़ार था कि कब फहमीदा आकर रिश्ता मांगती हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर फरवा के लिए रिश्ता आ गया था, लेकिन ना ये रिश्ता वलीद का था, ना लाने वाली फहमीदा थी। नसीमा के मरहूम शोहर अब्दुल वाहिद की फुप्पीजाद बहन अपने बेटे के लिए फरवा का हाथ मांगने आई थी। शोहर के इंतकाल के बाद नसीमा ने ना तो ससुराल वालों से खुद रब्ता रखा था, ना ससुराल वालों ने इनसे रब्ता ताल्लुक़ रखने की कोशिश की थी। फरवा के ये दादा दादी कब के अल्लाह को प्यारे हो गए थे। ताया चचा अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन। अपने बच्चों की शादियों के मौके पर नसीमा और फरवा को एक दो बार बुलावे का कार्ड भेजा गया। नसीमा ना तो खुद गई, ना फरवा को भेजा। इसके बाद इन लोगों ने शादी ब्याह के मौके पर भी याद करना ज़रूरी नहीं समझा। अब इतने वर्षों बाद नाहिद बाजी अब्बास अहमद का घर ढूंढते ढूंढते आन पहुंची थी। नसीमा को इनके आने पर हैरत थी सो थी, इनके मुंह से रिश्ते की बात सुनकर हैरत सुआ हो गई। अब्दुल वाहिद की फूफीजाद बहन किसी गांव देहात में ब्याही गई थी। जवानी के दिनों में भी पक्की पेंडू लगती थी। अब अच्छा जूता कपड़ा पहनकर भी गवारपन की छाप रुखसत नहीं हुई थी। नसीमा को इनका वो काका भी याद था जिसका वो आज बड़े फ़खर से रिश्ता लाई थी। एक बार अब्दुल वाहिद नसीमा को साथ लेकर फूफीजाद बहन से मिलने इनके गांव गया था। नाहिद का काका अपने ददियाल वालों का लाडला मगर एक नंबर का शरारती और बदतमीज़ बच्चा था। आँखों में काजल के डोरे, नेकर के साथ बनियान, गले में लटकता तावीज़, कच्चे सहन में वो नंगे पाँव मुर्गियों के चूज़ों के पीछे भागता फिरता था। ढाई साल फरवा मुर्गियों से डरती थी और काका मुर्गी हाथ में पकड़कर उसे डराता, और जब वो बारिश होने के बाद जौहर में से मेंढक के बच्चे पकड़ रहा था तो नसीमा को बाकायदा उपकाई आ गई थी। और फिर इस बदतमीज़ काके ने गुलैल में पत्थर बांधकर ऐसा निशाना लिया कि फरवा के माथे पर अच्छा भला घूमड़ पड़ गया। नाहिद बाजी ने नसीमा से माजरत कर ली, काके को वो धब्बी लगाए, लेकिन नसीमा वहाँ मजीद रुकने पर हजमंद नहीं हुई और अब्दुल वाहिद के पीछे पड़कर उसी दिन वापसी की राह ली। अब नाहिद अपने बेटे की शान में कसीदे पढ़ रही थी तो नसीमा के जहन में माजी के मंजर ताज़ा होते गए। नहायत बेजारी से वो इस अनपढ़ गंवार औरत की बातें सुन रही थी। मेरा माज ऐसा फरमा बरदार, इतना काबिल, इतना पढ़ा लिखा, गांव में तो इसके जोड़ की कोई बच्ची ही नहीं, या तो सब इससे बड़ी या बहुत छोटी। फिर मैंने सोचा अपने घबरू पुत्र के लिए शहर की लड़की ढूँढूँ। बस अल्लाह ने दिमाग में ख्याल डाला, अब्दुल वाहिद मेरा भाई, अल्लाह उसे करवट करवट जन्नत नसीब करे, इसकी बच्ची कभी तो जवान हो चुकी होगी। अपने मरहूम भाई की निशानी को अपने घर की रौनक बना लूँ। नसीमा भाभी, आप एक बार मेरे मास को देखोगी तो जी खुश हो जाएगा। ऐसा घबरू जवान निकला है, फ़ौरन हाँ कर दोगी। नाहिद की खुशगुमानी उरूज पर थी। नसीमा ने बेजार होकर पहलू बदला, कितना पढ़ लिख गया है आपका बेटा, नखूद भरे अंदाज में पूछा गया। बहुत पढ़ा लिखा है भाभी, इतने बरस शहर में रह के पढ़ाई की है, अब तो बड़ा अफसर लग गया है, नाहिद फ़खरिया लहजे में बोली थी। नसीमा जानती थी इनके डिक्शनरी में पढ़ा लिखा होने के क्या मायने हैं। वो जिस पसमानदा तरीन इलाके से ताल्लुक़ रखती थी वहाँ मैट्रिक पास भी तालीम याफ्ता कहलाता था। लड़का एफ़ ए पास है या बी ए, कुछ तो इल्म होगा, नसीमा ने तंजियांदा से कहा। एफ़ ए बी ए से तो आगे की पढ़ाई है भाभी, इतनी ए बी सी तो मुझे भी आती है, नाहिद उनका तंज भाप कर ज़रा खफकी से बोली। बी से आगे तो सी होता है नाहिद बाजी, तो क्या सी ए करके बैठा है आपका बेटा, नसीमा ने ठट्ठा लगाया। आप इससे मिलकर खुद ही इसकी डिग्रियों की तफसील पूछ लें, पर एक बार मिलें तो सही मेरे बेटे से, वो बज़िद थी। मैं लगी लपटी रखने की कायल हूँ, बिल्कुल भी नहीं नाहिद बाजी, मुझे आपके ख़ानदान में कौन सा सुख मिला था जो मैं अपनी बेटी को भी वहीं झोंक दूँ, मेरी तरफ से तो इनकार है। नसीमा ने इस बार रखाई का मुजाहरा करते हुए हरी झंडी दिखा दी। इस सफा चट इनकार पर नाहिद का मुँह उतर गया। आपका आखिरी फैसला है ये, मास को देखेंगी भी नहीं, उन्होंने लजाजत भरे अंदाज से पूछा। अरे ऐसे कौन से लाल हीरे जड़े होंगे आपके बेटे में जो मैं उसे देखने जाऊं, कह दिया इनकार है सो इनकार है, नसीमा कतियत से बोली थी। ड्राइंग रूम में खामोश तमाशाई की हैसियत से बैठी सबीहा को इन बेचारी खातून पर जी भर के तरस आया। आप ये चाय तो लीजिए बाजी, सबीहा ने आदाब मेज़बानी निभाना चाहा। बस चलती हूँ बहन, एक बार फरवा को बुला दीजिए, अपने मरहूम भाई की निशानी को सीने से लगाकर प्यार ही कर लूँ, वो यासियत भरे लहजे में बोली थी। नसीमा ने कोफ्त के आलम में फरवा को आवाज़ दी। वो मारे भांदे आई और रिश्ते की फुप्पो को रस्मी सा सलाम करके फ़ौरन पलट गई।
नाहिद बेगम भी मायूसी के आलम में जाने के लिए उठ खड़ी हुई। नसीमा ने उन्हें बाहर तक छोड़ने की भी जहमत नहीं की, वहीं बैठे बैठे खुदा हाफिज़ कह दिया। सबीहा उन्हें गेट तक छोड़ने आई थी, इसी वक्त अभी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। माँ के साथ एक अनजान खातून को देखकर उसे ज़रा हैरत हुई, मगर तमीज़ से सलाम कर डाला। ये मेरी बेटी है, नाहिद बेगम की आंखों में छुपा इस्तफसार देकर सबीहा ने तारुफ़ करवाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, जीती रहो बेटी, उन्होंने इसके सर पे हाथ फेरा था। ट्यूशन पढ़ के लौटी हो? इसके हाथों में किताबें देखकर उन्होंने पूछा था। नहीं आंटी, लाइब्रेरी से आ रही हूँ, अबीर ने शाइस्तगी से जवाब दिया। नाहिद बेगम ने असबाब में सर हिलाया और फिर सबीहा से अलविदाई मुआनका करके रुखसत हुई। जिस टैक्सी पर वो आई थी उन्होंने उसे इंतज़ार का कह रखा था, अब वो इसी में बैठकर वापस चली गई। अबीर ने माँ से खातून की बाबत पूछा। सबीहा ने मुख्तसर अल्फाज में उनका तारुफ करवा दिया था। माज घर पर बेचैनी से माँ का मुंतजर था, लेकिन वो जिस मायूसी के आलम में वापस लौटी उसे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि बात नहीं बन पाई है। मैं तो तुझे पहले ही कह रही थी अब्दुल वाहिद की बेटी नहीं मिलने की, बीवी उल्टी खोपड़ी की मालिक है। जब वाहिद जिंदा था तब नसीमा ने शोहर के रिश्तेदारों से कभी सीधे मुँह बात तक नहीं की, अब वो इन रिश्तेदारों में अपनी बेटी क्यों देने लगी? उन्होंने फ़ौरन इनकार कर दिया, सोचने समझने की मोहलत भी नहीं ली। माज माँ की बात सुनकर हक्का पक्का रह गया, वो ठुकराए जाने के काबिल तो हरगिज़ नहीं था, कोई उसे देखे परखे बगैर यूँ कैसे इनकार कर सकता था। उसे अपनी शख्सियत पर ज़ोम था और वह यह ज़ोम करने में हक बजानब भी था। ज़माना तालिब इल्मी से लेकर अब प्रोफेशनल लाइफ तक लड़कियाँ इस पर दीवाना वार निसार होती थीं। मर्दाना वजाहत और जहानत के साथ साथ ये इसकी फितरी शराफत थी कि वह अपना दामन बचा कर चलता था। दोस्तों के हल्के में इसको जाहिद व खुश्क मशहूर किया हुआ था। देहाती पसे मंजर ताल्लुक़ रखने वाला वो अपने गांव का पहला फर्द था जिसने अपनी जहानत के बल पर पाकिस्तान के मशहूर तरीन इदारे से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तालीम हासिल की थी और अब एक सरकारी महकमे में बहुत अच्छी पोस्ट पर मुतायन था। वो चार बहनों का इकलौता भाई था, घर भर का लाडला। तालीम के हुसूल के लिए शहर का रुख किया तो माँ बहनों का रो रो के बुरा हाल था, खुद हॉस्टल में इसका जीना लगता था। रफ्ते रफ्ते दोस्त भी बन गए, लेकिन किताबों से दोस्ती तमाम दूसरी दोस्तियों पर मुकदम थी। सख्त तरीन पढ़ाई के शेड्यूल से भी इसके सरहाने मुल्की या गैर मुल्की अदब का कोई शहपारा ज़रूर मौजूद होता। वक्त गुजरा, बेतहाशा मेहनत का अजर शानदार कामयाबी की सूरत में मिला। शानदार नौकरी भी इसकी जहानत काबिलियत और माँ बहनों की दुआओं का नतीजा थी। अब माँ बहनों का एक ही मुतालबा था, वो अपने लाडले के सर पर सहरा देखने की ख्वाहिशमंद थी। लाडला उन्हें इनकार किए जा रहा था। फिर पहली नज़र की मोहब्बत को हिमाकत गिरदारने वाला खुद इस हिमाकत का मुर्तकिब हो गया था। वो मनमोहनी और कामनी सी लड़की उसे लाइब्रेरी में टकराई थी। जॉब के टफ शेड्यूल की वजह से अब इसका मुताले का शौक़ मुतासर हो रहा था, फिर भी वो आदत से मजबूर होकर 15-20 दिन में लाइब्रेरी का चक्कर लगा ही लेता था। इस लाइब्रेरी में उसे अपना गौहर मकसूद मिल गया था, एक अजनबी लड़की जिसके वो नाम पते तक से वाकिफ़ नहीं था, लेकिन दिलो दिमाग से इसका तस्वुर हट कर नहीं दे रहा था। फिर वो लड़की उसे हॉस्पिटल में मिली, वो जिस खातून के हमराह थी माज उनकी शक्ल को देखकर चौंका था। जानी पहचानी सी शक्ल वो पहले कब और कहाँ देख चुका था फौरन याद ना आया। घर पहुंचकर इसका हाफ़ज़ा मदद को आया। ये खातून अम्मा के मरहूम चचाजाद भाई अब्दुल वाहिद की बेगम थी। अब्दुल वाहिद मामों का तस्करा इनके घर में अक्सर व बेशतर होता था। वो नाहिद बेगम के फर्स्ट कज़न तो थे, अब्बा के बेहतरीन दोस्त भी थे। ऐन जवानी में ही वो हादसाती मौत से दो चार हो गए थे। अम्मा अब्बा अक्सर उन्हें याद करते और इनकी ख़ानदानी हिस्ट्री भी दोहराई जाती, किस तरह इनकी बेगम ने इनकी ज़िंदगी को बेसकून किया रखा और इनके मरने के बाद पलटकर ससुराल वालों से रابطہ तक ना किया। अम्मा के ख़ानदानी एल्बम में वाहिद मामू की ढेरों तस्वीरें थीं, अक्सर तस्वीरों में इनकी बेगम भी हमराह थी। वो खासी खूबसूरत खातून थी, लेकिन दाएं गाल पर बड़ा सा सियाह धब्बा इस खूबसूरती को ज़रा सा ग्रहण लगा देता था। पहचान का मरहला तय हुआ तो माँ को हैरत भी हुई, बीते बरसों में इन मोहतरमा पर ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था, उन्होंने खुद को खासा मेनटेन कर रखा था। और कितना खुशगवार इंकशाफ था कि माँ से इस लड़की पर पहली नज़र में फ़िदा हुआ था वो वाहिद मामू की दुख्तर नेक अख्तर थीं। कहाँ वो इसके नाम पते से नावाकिफ था और कहाँ इसे इतनी करीबी रिश्तेदारी निकल आई। उसने फौरी तौर पर गांव में माँ को फ़ोन किया, वो माँ से दिल की कोई बात नहीं छुपा सकता था, अब भी उसने दिली कैफियात माँ से शेयर कर डाली। आप तैयारी रखें अम्मी, मैं इस हफ़्ते को आपको लेने आ रहा हूँ, आपने नसीमा आंटी के भाई के हाँ जाना है, जाहिद मामू से रब्ता करके इनका एड्रेस दे दीजिएगा। उसने वाहिद मामू के छोटे भाई का नाम लेते हुए माँ को ताकीद की। पता मिलना मुश्किल नहीं मेरे चांद, लेकिन वो औरत दूसरे मिजाज की है, अल्लाह जाने हमसे मिलना पसंद करेगी भी या नहीं। नाहिद बेगम कुछ मुतजब्जब थीं। आप एक बार चाहे तो सही, बात की बात में देखी जाएगी, वो मिसर हुआ था। जब माँ ऐसी बदमिजाज थी तो बेटी की क्या तरबियत की होगी। मैं तो बस तेरी बात सुनकर परेशान हो गई हूँ माज, इसने सादा मिजाज से खातून
के दिल का खदशा अपने बेटे से बयान कर दिया। नहीं अम्मा, वो अपनी अम्मी से बहुत मुख्तलिफ हैं, धीमा धीमा बोलने वाली, बहुत सुलझीवी पुरवकार लड़की है, आप देखेंगे तो फ़ौरन इस पर फिदा हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं आती हूँ शहर। वो माओं की इस किस्म से ताल्लुक़ रखती थी जो बेटे की फरमाइश पर आसमान से तारे तोड़ने पर भी गौर व खौस करने लगे। अपने बेटे की ख्वाहिश को क्यों कर पसे पुछ डालती, फ़ौरन अपनी बदमिजाज भावत से मिलने राज़ी हो गई। फिर बदतरीन खदशे के ऐन मुताबिक नसीमा ने रखाई भरा इनकार कर दिया था। जब उन्होंने मास को यह जवाब सुनाया तो इसके चेहरे की जोत बुझ सी गई। पता नहीं तो जिस लड़की में ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े नजर आ गए। है तो मेरी भतीजी, लेकिन सच्ची बात है बिल्कुल माँ पर पड़ी है, न तमीज़ न तहजीब, जबकि इसी घर में मैंने एक और बच्ची भी देखी ऐसी प्यारी के सीधी दिल में उतर गई। और जब बोली तो यूँ लगा कानों में घंटियाँ बजने लगी हैं। मुझे जानती तक नहीं थी, लेकिन मैंने पूछा बेटी कहाँ से आ रही हो तो इतनी अपनाइयत से जवाब दिया कि आंटी लाइब्रेरी से आ रही हूँ। वो अपने ही धुन में बात कर रही थी, माँ उछल पड़ा। क्या कहा आपने, दोबारा बताइए, उसने बेताबी से पूछा। मैं कह रही हूँ कि ऐसी प्यारी बच्ची है कि सीधा दिल में उतर गई। ओफ वो अम्मा, ये बताइए कि उसने क्या कहा, वो कहाँ से आ रही थी, क्या उसने वाकई लाइब्रेरी का नाम लिया। हाँ तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, नाहिद ने बेटे को घूरा। अच्छा हुआ आपकी बदमिजाज भावज ने फौरन इनकार कर दिया। ओ खुदाया, अगर वो इकरार कर लेती तो क्या बनता मेरा, और मैं कितना घाम मारूं। नसीमा चची के साथ एक लड़की को देखकर ये कैसे समझ लिया कि वो सिर्फ इनकी ही बेटी हो सकती है। अच्छी अम्मा, प्यारी अम्मा, आप कल ही इनके यहाँ दोबारा जाइए और इस बार मुख्तलिफ जवाब लाइएगा। वो लोग एक बार मुझे देख लें, बस मुझसे मिलने, फिर मैं उनका हर जवाब कबूल कर लूँगा, फिर मैं आपको दोबारा तंग नहीं करूँगा, वादा पक्का वादा। वो माँ के हाथ थाम कर अपनी ही तरंग में बोला जा रहा था। नॉन स्टॉप बेटे की बेकरारी देखकर नाहिद बेगम हंस पड़ी थी। उन्हें अगले दिन दोबारा वहाँ जाना था, ये अब तयशुदा अमर था। इस बार उन्हें अब्बास अहमद भी घर पर ही मिल गए थे। बहुत उम्मीद से उन्होंने अब्बास अहमद से अबीर का रिश्ता मांगा। देखिए भाई साहब, नसीमा भाभी की तरह फौरन इनकार मत कर दीजिएगा, एक बार मेरे बेटे से मिल लें, फिर जो भी फैसला करेंगे मुझे खुशी खुशी कबूल होगा। अब्बास अहमद ने इस्बात में सर हिला दिया था, लेकिन इनके जाने के बाद नसीमा को खुलूस भरे अंदाज से समझाया। एक बार लड़के को देख तो लो नसीमा, ये खातून रिश्ते में फरवा की फूफी हैं और पहले फरवा की तलबगार बन के आई थी। अगर रिश्ता माकूल हुआ तो मजीद छान पटक कर लेंगे, यूँ फौरी इनकार दुरुस्त नहीं। मेरी तरफ़ से तो फौरी और दो टोक इनकार ही है अब्बास भाई, मैंने इस ख़ानदान में बेटी बिहानी ही नहीं। मैं आपको मना नहीं करती, अगर अबीर के लिए रिश्ता मुनासिब लगता है तो अल्लाह का नाम लेके हाँ कर दीजिए। नसीमा के कहने पर अब्बास अहमद एक लम्हे को खामोश हो गए। उन्होंने कभी बेटी और भांजी में फ़र्क नहीं रखा था, बल्कि अक्सर बेशतर भांजी को बेटी पर फोकियत दे देते थे। और नसीमा को जो रिश्ता अपनी बेटी के लिए ऐन नामुनासिब लग रहा था, किस आसानी से इसने वहाँ अबीर के लिए हाँ कहने को कह दिया था। बहर कैफ मलाल की ये कैफियत आर्जी थी। तीन चार दिन बाद वो माँ से मिलने चले ही गए थे। अगर लड़का कुछ माकूल हुआ तो तुम्हें साथ ले जाऊँगा, फ़िलहाल मैं अकेला ही जा रहा हूँ, सबीहा के कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने फ़ैसला सुना दिया था। सबीहा ने क्या एतराज़ करना था, हैरान तो अबीर थी जिस रिश्ते को नसीमा पप्पो ने फरवा के लिए फौरी रद्द कर दिया। आखिर बाबा इस रिश्ते को अबीर के लिए ज़ेरे गौर ही क्यों लाए। तुम क्यों फिक्र करती हो अबीर, तुम्हारे बाबा सिर्फ लड़के को देखने गए हैं, मुझे नहीं लगता कि वह इस रिश्ते को ज़्यादा संजीदगी से लेंगे। वो देहाती पस मंज़र रखने वाली फैमिली है, हमें और इनमें बहुत फ़र्क है। रिश्ता देखे जाना एक रस्मी सी कार्रवाई है। तुम्हारे पापा की बामुरव्वत तबीयत ने नाहिद बाजी को फ़ौरन इनकार करना गवारा नहीं किया। बस यूँ समझ लो, इनका दिल रखने की खातिर गए हैं और उम्मीद है आज ही माजरत कर आएंगे। सबीहा बेटी को प्यार से समझा रही थी। बात अबीर की समझ में आ भी गई, तने हुए आसाब और सुकून हो गए। लेकिन अब्बास अहमद वापसी पर जो खबर लाए, इसके हवासों पर गोया बम गिरा दिया। मुझे मास बहुत पसंद आया है, मैंने नाहिद बेगम को हाँ कह दी है, कुछ दिनों तक वो अपनी बेटियों के हमरा आएंगी और छोटी मोटी रस्म कर देंगी, फिर हम लोग जाकर भी रस्म कराएंगे। आप एक बार मुझे तो ले जाते, मैं माँ हूँ अबीर की, इसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला और आपने मुझसे राय लेना भी मुनासिब नहीं समझा। सबीहा के दुख की कोई इंतहा ही नहीं थी। मैं भी अबीर का बाप हूँ, अपनी बेटी के लिए कोई फ़ैसला गलत क्यों करूँगा, तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं। वो उल्टा इन्हीं पर खफा हुए थे। भले से मुझे साथ ना ले जाते अब्बास साहब, लेकिन सोचने के लिए ज़रा सी मोहलत तो मांग लेते, चाहे फिर इस बात में ही जवाब दे देते। लेकिन मेरी बेटी इतनी अर्जा तो नहीं थी ना, आप पर इतनी भारी पड़ रही थी, क्या सोचेंगे वो लोग भी। ज़िंदगी में पहली बार सबीहा शौहर से बहस और तकरार कर रही थी। बेटी की मोहब्बत ने उन्हें शौहर के सामने डटकर खड़ा होने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन सब बेसुध था।
कुछ ऐसा वैसा नहीं सोच रहे वो लोग। ये अहमकाना बातें तुम्हारे ही जहन की अख्तरा हैं, इनके तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और मैं सोचने के लिए मोहलत मांग कर कुफरान नेमत क्यों करता? ऐसा रिश्ता तो किस्मत वालों को मिलता है। सचता शुक्र भी करो और अबीरा से भी कहो वो भी करे। वो बीवी को नसीहत करते कमरे में चले गए थे। सभी यहाँ थके हारे अंदाज में तख्त पर बैठ गए। नसीम और फरवा ने एक दूसरे को देखा, दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट फैली थी। बहुत मुश्किल से मुस्कुराहट पर काबू पाकर वो भावच के करीब आई और उनके कंधे पर हाथ रख कर दिलासा दिया। अब्बास भाई सोच समझ कर यहाँ कर आए होंगे, भाभी क्यों परेशान होती हो? और अंदर कमरे में फरवरा खिलखिलाते हुए अबीर को इसका रिश्ता पक्का होने की मुबारकबाद दे रही थी। अबीर के चेहरे पर जैसे किसी ने खून निचोड़ दिया हो। बिल्कुल सफ़ेद चेहरे के साथ वो बेहिसु हरकत बैठी थी। फरवा उसे माँ की ज़बानी मांस का बचपन का होलिया बता रही थी, साथ ही हंस हंस के लोटपोट हो रही थी। अबीर की आंखों में आंसू भर गए। इस घर में एक गोशा भी ऐसा तो ना था जहाँ वो आज़ादी से चार आंसू ही बहा सकती। फरवा के सामने उसे आंसू बहाना कतन गवारा नहीं था। बहुत सबसे काम लेते हुए इसने आंसू छलकने से रोके, लेकिन रात को इसका तकिया आंसू से भीगता रहा। फरवा ने इस ख़ानदान का जो नक्शा खींचा और सबसे बढ़कर नाहिद बेगम के काके की जो बातें इंतहाई लुत्फ ले लेकर बताई थी, अबीर के जहन में इस रिश्ते से मुतालिक कोई खुशकुन सोच जन्म ले ही नहीं सकती थी। अगले हफ्ते नाहिद बेगम अपनी चारों शादीशुदा बेटियों के साथ अबीर को मंगनी की अंगूठी पहनाने आई थी। वो सब अबीर पर बहुत वारी सदके जा रही थी। गोया नाहिद बेगम देहाती वजा खता की औरत थी, लेकिन इनकी बेटियाँ सभी हक को माकूल लगें। वह हंसमुख और सादा मिजाज रखती थी। सबीहा के जहन में इतने दिनों से नसीमा के ससुराली रिश्तेदारों के हवाले से जो खदशा कल बला रहा था वो दम तोड़ गया। नसीमा ने हमेशा अपने ससुराली ख़ानदान वालों की तेजी तरारी के किस्से सुनाए थे, लेकिन ये लोग बज़ाहिर देखने में ऐसे नहीं लग रहे थे। अबीर ने अपनी खामोश एहतजाज इतनी ही खामोशी दिल में दफन करके फरमाबरदार बेटी होने का सबूत दिया और चुपचाप मांस के नाम की अंगूठी उंगली में सजा ली। ये सब नसीबों के खेल हैं फरी, मेरी बेटी का नसीब कहाँ जुड़ने जा रहा है ये सबीहा भाभी और अबीर सोच भी नहीं सकती। नसीमा तकरीब के अख्ताम पर बेटी के कान में बोली थी। भावज और भतीजी ने कभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी जाने इन्हें दोनों से क्या परखाश थी। ज़िंदगी के हर मोड़ पर उन्होंने फरवा और अबीर का तकाबली मवाजना ही किया था और हमेशा ये कोशिश की थी कि हर खुशी इनकी बेटी के झोली में आन गिरे। वैसे बहुत दिन हो गए फहमीदा आपा के यहाँ गए ना, उन्होंने खुद रब्ता किया? तू तो कह रही थी फरी के बहुत जल्द वो लोग रिश्ता खुद मांगने आएंगे, कहीं उन्होंने इरादा तो नहीं बदल दिया? नसीमा ने दिल का खदशा बेसरी से कह सुनाया। अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं। वलीद ने मुझसे वाज़े अल्फाज में कहा है कि वो मुझे अपने घर का हिस्सा बनाना चाहता है। इसकी कारोबारी मसरूफियत तो आपको पता ही है, किसी कारोबारी झमेले में मसरूफ़ होगा। तौफीक अंकल तो मस्जिद के होके रह गए हैं, फहमीदा खाला ने ज़ाहिर है वलीद के साथ ही आना होगा, उसे फुर्सत मिलेगी तभी खाला को लेकर आएगा ना अम्मी, फरवा ने माँ को तसल्ली दी थी। मेरी मान फरी, तो कल दोबारा वहाँ का चक्कर लगाते हैं। वलीद फिर ये जिक्र छेड़े तो इससे कहना कि गोलमोल बात करने के बजाय सीधे साधे तरीके से अपनी माँ को भेजें हमारे यहाँ। ठीक है अम्मी, कल चलेंगे वहाँ, फरवा ने अस्पात में सर हिलाते हुए माँ की बात मान ली थी। तो क्या बना रही हैं आप आज? वलीद ने किचन में दाखिल होते हुए शकुफ्तगी से मुस्कुराकर पूछा था। फिलहाल तो कीमा मैक्रोनी बना रही हूँ, फहमीदा खाला कह रही हैं मछली भी फ्राई कर लूँ तो आज डिनर में आपको फ्राइड फिश भी मिलेगी, फरवा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। यार तुम तो हमारी आदतें बिगाड़ रही हो, अब नसरीन के हाथ का खाना खाने को जी ही नहीं करता। इस दिन हमारी बात अधूरी रह गई थी। अगर तुम और नसीमा खाला मुनासिब समझो तो मैं तुम्हें ज़बरदस्त पैकेज के साथ एक जॉब ऑफर करना चाहता हूँ। वलीद के कहने पर फरवा ने हैरानी से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। कैसी जॉब? वो वाकई नहीं समझ पाई थी। तुम्हारे हाथ के जायके के तो मैं और अम्मी मोतरफ हैं ही, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह तुमने घर की तज़ीन और आराइश में ज़ाती दिलचस्पी ली तो मैं तुम्हारी सलाहियतों से वाकई इम्प्रेस हो गया था। इस घर को तुम्हारे जैसी निगरानी आला की ज़रूरत है। तुमने खुद कोई काम नहीं करना होगा, बस मुलाजमों से काम लेना होगा। अम्मी बहुत नरम दिल और सादा मिजाज की औरत हैं, मुलाजमीन इनके सामने खुद साख्ता मजलूमियत के किस्से सुनाकर हमदर्दी भी समेटते हैं और पैसे भी बटोरते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर का इंतज़ाम संभालो, पिक एंड ड्रॉप की सहूलत के साथ मैं तुम्हें बहुत अच्छा पैकेज दूंगा, वलीद बोल रहा था और फरवा साकित खड़ी थी। अम्मी को यह ख्याल मुनासिब नहीं लगा था, लेकिन मेरा ख्याल था कि बात करके देखने में कोई हर्ज नहीं। ये किसी दफ्तर या फैक्ट्री में मुलाजमत करने जैसी बात थोड़ी है। घर की चार दीवारी में बाइज्जत जॉब से बेहतर ऑप्शन तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है? फिर तुम हमारी फैमिली मेम्बर जैसी हो, पूरे एतमाद से अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल सकती हो। हम तुम्हें हर मुमकिन तआवुन फराहम करेंगे। बेहतर ये होगा वलीद कि आप शादी कर लें और घर की जिम्मेदारियाँ अपनी बीवी को सौंपें, यही ऐन मुनासिब होगा। फरवा ने शौक से निकलते हुए उम्मीद की डोलती नाव को संभालने की कोशिश की, लेकिन वलीद ये मशवरा सुन के हंस पड़ा।
अरे जिन मोहतरमा से मैं शादी करने जा रहा हूँ ना, वो घरदारी में बिल्कुल कोरी हैं। एक्चुअली शान से करियर वुमेन है, वो शादी के बाद अपनी जॉब जारी रखेगी, घर पर भरपूर तवज्जो ना दे पाएगी। इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए ही तो मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपना चाह रहा हूँ। जब तक तुम्हारी शादी वादी का सिलसिला नहीं बनता, आई होप तुम ये जॉब आसानी से कर सकती हो। तुम्हारी शादी के बाद तुम सा टैलेंटेड कोई और देख लेंगे। वलीद अपने मखसूस अपनायत भरे लहजे में मुखातिब था। फरवा उसे अपने कदमों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। वलीद ने इसकी उम्मीदों और आरज़ुओं के ताजमहल को किस कदर बेदर्दी से ज़मीन बोस कर डाला था। आई एम सॉरी वलीद, आपने मेरी अपनायत के बिल्कुल गलत मायने अख्स किए हैं। मैं सिर्फ फहमीदा खाला की मोहब्बत में इनका ख्याल करते हुए घर का छोटा मोटा काम कर लेती हूँ। मैं यहाँ मुलाजमीन की निगरानी आला बनने के लिए नहीं आई थी। आपकी इस छोटी सोच ने मुझे बहुत हर्ट किया है। आइंदा मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूँगी। मेरी तरफ से हमेशा के लिए अल्लाह हाफिज़। वो बमुश्किल खुद को संभालती तेज तेज कदम उठाती किचन से बाहर निकल गई। अरे भाई सुनो तो सही फरवा, वलीद भी इसके पीछे बौखलाकर पलटा था। चले अम्मी उठें। वो फौरन माँ के सिर पर पहुँची। इसके अंदाज़ में इतना गैर मामूलीपन था कि नसीमा के साथ साथ फहमीदा भी चौंक गई। अरे अभी से कैसे चल दें, आए हुए देरी कितनी हुई है। फहमीदा ने उसे रोकना चाहा। अम्मी आप उठेंगे या मैं अकेली चली जाऊँ। तमीज़दारी का चोला फेंकते हुए वह फहमीदा को नज़रअंदाज करती बदमिलहाज़ी से माँ से मुखातिब हुई। इतने में वलीद भी आ गया। बात तो सुनो फरवा, आई एम रियली सॉरी अगर तुम इस बात से हर्ट हुई हो। मैं अपनी तजवीज़ वापस लेता हूँ, तुम भूल जाओ मैंने ऐसी कोई बात भी की थी। वो माजरत करने लगा। इट्स ओके वलीद, इसने सपाट से लहजे में जवाब दिया, फिर दोबारा माँ पर चढ़ दौड़ी। आप ऐसे हैरानी से मुँह खोल कर तकती रहेंगी या चलने का कोई इरादा नहीं है क्या। मैं ड्राइवर से कहता हूँ आप लोगों को छोड़ आएगा। वलीद इस लड़की का बदला हुआ रूप देख कर शश्तर था, फिर भी मुरव्वत के तकाजे निभाने चाहे। शुक्रिया हम चले जाएंगे खुद ही, वो रखाई से इसकी पेशकश रद्द करती हैरान परेशान खड़ी माँ का हाथ पकड़ कर चल पड़ी थी। अरे कुछ मुंह से फूट तो सही हुआ क्या है। नसीमा इसके साथ हाँपते काँपते चल रही थी। टैक्सी मेन रोड से मिलना थी और अभी मेन रोड दूर था। किस बदतमीज़ी का मुजाहरा किया है तूने आज फहमीदा आपा के सामने, क्या सोचती होंगी वो। और वजह तो पता चले, मुँह क्यों इतना सूझा हुआ है। कुछ नहीं सोचती होंगी आपकी फहमीदा आपा, एक नंबर की चलाक बुढ़िया है। जानती थी कि बेटे ने कोई लड़की पसंद कर रखी है, फिर भी हमारे सामने मुँह से कुछ फूटा तक नहीं। मुफ्त में मुझसे बिगाड़ लेती रही, दो दो घंटे में इनके किचन में सर खपाती रही। पहले पता होता तो लानत भेजती सब पर और कभी यहाँ कदम ना रखती। फरवा बिलाखिर फट पड़ी थी। अब साकित होने की बारी नसीमा की थी। ये तुझे वलीद ने बताया वो किसी और लड़की को पसंद करता है, उन्होंने सरसराती हुई आवाज़ से पूछा। फरवा बिना जवाब दिए नाक की सीध में चलती चली जा रही थी। लेकिन तू तो कह रही थी फरी कि इसने तुझे अपने घर का हिस्सा बनाने की बात की है। नसीमा अब भी बेयकीन थी। वो मुझे अपने घर की मासियों का सुपरवाइजर बनाना चाहता था अम्मी, इसकी नज़रों में मेरी बस इतनी सी ही औकात थी। अब की बार इसकी आंसू भरी आवाज़ सुनकर नसीमा के दिल में हौल उठने लगे। अब वलीद और फहमीदा को सलवाते सुनाने की बारी नसीमा की थी। जी भरकर कोसने और बदवाएँ देने के बाद भी इनका जीव हल्का नहीं हुआ था। हारे हुए जुआरी की मानिंद दोनों माँ बेटी घर लौटी थी। दो दिन बाद अब्बास और सबीहा मास की रस्म करने उनके यहाँ जा रहे थे। अब्बास ने बहन और भांजी को भी हमरा चलने को कहा। नसीमा और फरवा बेदिली से वहाँ जाने पर तैयार हो गईं। वहाँ से वापसी पर दोनों का दुखर सदमे से बुरा हाल था। नसीमा का तो बस नहीं चल रहा था कि वो अपना सर पीट पीट कर अपनी अकल का मातम करें। बिना देखे मास को ठुकरा कर उन्होंने किस कदर हिमाकत का सबूत दिया था। सबीहा होने वाले दामाद से मिलकर बहुत मुतमईन लौटी थी। मैं गलती पर थी अबीर, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन फैसला किया है। अल्लाह तुम्हें इसके संग हमेशा खुशपाश रखे। तुम्हारे बाबा सही कह रहे थे, ऐसा अच्छा रिश्ता ठुकराना कुफराने नेमत कहलाता है। अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करना मेरी बच्ची, बेहद शादमान होकर उन्होंने अबीर की पेशानी चुमकर उसे नसीहत की थी। माँ को इस कदर खुश देखकर अबीर के खदशात से धड़कते दिल को जैसे करार मिल गया। फरवा को माँ पर चढ़ाई करने का एक और मौका अगले दिन मिला था। अब्बास अहमद ऑफिस गए हुए थे और सबीहा अबीर के साथ लिए हसन सुफियान के स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करने गई हुई थी। अब फरवा माँ पर चढ़ दौड़ी। अम्मी आपने मास का रिश्ता ठुकराते हुए इतनी जल्दबाजी से काम क्यों लिया, वो शानदार सा शख्स आज मेरा नसीबी हो सकता था। आपने इन लोगों के माजी की बुनियाद पर कयास कर लिया कि वो आज भी वैसे होंगे। आपको पता है मास जिस तालीमी इदारे से पढ़ा है ना, लोग वहाँ पढ़ने के ख्वाब देखते हैं। और इसकी बहन बता रही थी कि मास ने अपनी जहानत के बल पर स्कॉलरशिप लेकर तालीमी सिलसिला मुकम्मल किया है। कितना शानदार अपार्टमेंट है उसका, अबीर वहाँ राज करेगी। फरवा कलस रही थी। तो मुझे क्या पता था ये उज्जट कंवर इतनी तरक्की कर जाएगा, नाहिद बेगम तो आज भी वैसी की वैसी ही लग रही थी। कहीं से इतने बड़े अफसर की माँ, मुझे इल्म होता कि इसका बेटा पढ़ लिख कर ऐसा खूबसूरत जवान होगा तो मैं क्यों फट से इनकार करती। नसीमा का कलक भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तालीम शख्सियत पर बहुत अच्छा असर डालती है अम्मी, माज ने इतने बड़े शहर में रहकर अपना तालीमी सिलसिला मुकम्मल किया है, इतने मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, इसकी पर्सनालिटी में निखार तो आना ही था ना। यह आपकी हिमाकत है कि आपने सोचे समझे बिना मेरे लिए आया ऐसा रिश्ता प्रपोजल इनकार कर दिया, वरना आज अबीर की जगह मैं होती।
कैसी नाखलफ औलाद है मेरी, कब से माँ को अहमक अहमक गर्दाने जा रही है अपनी बेवकूफ़ी याद नहीं। वलीद की बात का उल्टा मतलब अखज़ करके खुश फहमी के सातवें आसमान पर खुद चढ़ बैठी थी। वलीद इस मोए माँ से कम थोड़ी था, अगर तेरी वहाँ बात बन जाती तब माँ से रबी का रिश्ता तय होने पर इतना तिलमिलाना रही होती तू। खुद तो गलत फहमी का शिकार हुई थी, मुझसे भी गलत फहमी में मुबतला कर दिया। अगर बात पहले खुल जाती तो हो सकता है मैं नाहिद बाजी को फौरी इनकार ना कर पाती। नसीमा ने अपनी हिमाकत के साथ साथ बेटी को इसकी हिमाकत भी याद दिलाई। अब क्या हो सकता है अम्मी, वक्त पलट कर तो नहीं आ सकता ना, फरवा यासियत भरे अंदाज से बोली। होने को तो खैर अब भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए गुस्सा ठंडा करके ठंडे दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। अकल इस्तेमाल करके हम अब भी बाजी पलट सकते हैं। नसीमा ने बेटी को नई आस दिलवाई थी। फरवा ने नासमझी सी माँ को देखा, वो शातिर मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसे समझाने लगे। नाहिद बेगम ने शादी की तारीख मांग ली थी, वो जल्द अज जल्द अपने बेटे के सर पर सहरा सजाना चाहती थी। हमें तैयारी के लिए कुछ मोहलत चाहिए बहन, अब्बास अहमद ने उन्हें रसानियत भरे अंदाज से मुखातिब किया। देखो भैया, मैं तुम्हें भाई भाई कहती भी हूँ, और अब जो बात करने लगी हूँ वो रस्मी तौर पर नहीं कर रही, बल्कि मेरा मतलब भी वही है। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, हमें सिर्फ अभी बेटी चाहिए। मास खुद जहेज़ लेने का सख्ती से मुखालिफ है, इसलिए मुझे ताकीद करके भेजा है कि मैं इस पैगाम को आप तक पहुँचा दूँ। वो जहेज़ हरगिज़ नहीं लेगा। नाहिद बहन, लंबा चौड़ा जहेज़ देने की हमारी हैसियत भी नहीं, लेकिन मेरी बेटी के नसीब में जो होगा अपनी हैसियत के मुताबिक मैं वो ज़रूर दूंगा। मास को समझा दीजिए, कुछ माशरती मजबूरियाँ भी हो सकती हैं। अब्बास अहमद ने उन्हें मुखातिब किया। नाहिद बेगम ने जाने बेटे को क्या समझाया, वो अगले दिन अब्बास अहमद से मिलने उनके ऑफिस जा पहुँचा। आखिर उन्हें अपने मौक़िफ़ के हक़ में कायल करके ही दम लिया। मैं तुम्हारे ख्यालात की बहुत कदर करता हूँ बेटे, और यकीनन ये मेरी खुशबख्ती है कि मेरी बेटी को तुम जैसा सुलझी हुई सोचे रखने वाला शरीक हयात मिलेगा। लेकिन दुनिया और दुनिया वाले किसी हाल में खुश नहीं रहते अंकल, इसलिए दुनिया और दुनिया वालों को इनके हाल पर छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी अपने ख्यालात के मुताबिक बसर करें। इसने मुस्कुराकर सुसर को मुखातिब किया। अब्बास अहमद इसका शाना थपथपाते हुए मुस्कुरा दिए थे। प्राइवेट ही सही, मगर मुझे एग्ज़ाम्स तो देने देते आप लोग, आखिर शादी की इतनी जल्दी क्या है, अभी इतनी अचानक शादी पर बौखला ही तो गई थी। नाहिद बाजी कह रही थी कि मास को शादी के बाद तुम्हारा तालीमी सिलसिला मुकम्मल करने पर कोई एतराज़ नहीं होगा बेटी, तुम शादी के बाद भी पेपर दे सकती हो। सबीहा ने प्यार से उसे समझाया, वो ठंडी सांस लिए रह गई। मास ऑफिस में था जब इसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। उसने फ़ोन मसरूफ अंदाज से उठाया, कॉल अटेंड की, निगाहें लैपटॉप के स्क्रीन पर थी। मैं अभीर बात कर रही हूँ मास, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मास एकदम सीधा हो बैठा। आप सुन रहे हैं मुझे? जी फरमाइए। मास की छठी हिस्से किसी अनहोनी का इशारा किया, इसने मुहतात लबुर लहजा अख्तियार किया। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, दरअसल मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। खुदा के लिए आप इस रिश्ते से इनकार करते हैं, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। तेज़ तेज़ लहजे में रटे रटाए फिक्रे की तरह बात मुकम्मल करके कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मास का दिमाग झंझना उठा, शादी के कार्ड छपकर आ चुके थे, ये क्या अफ्ताद सर पर आन पड़ी थी। वो काम अधूरा छोड़कर बॉस से तबीयत की खराबी का बहाना करके घर चला गया। कल ही अम्मा और बहनें शादी की शॉपिंग मुकम्मल करके वापस गांव लौटी थी। इस कॉल के बारे में सोच सोच कर इसका सर दुखने लगा। इस नंबर पर कई बार रब्ता करने की कोशिश भी की, लेकिन रब्ता मुमकिन ना हो पाया। माज ने अबीर को फ़कत एक बार लाइब्रेरी में बोलते सुना था। इसकी मनमोनी सूरत के साथ इसकी मधम आवाज़ ने भी माज को अपने शहर में जकड़ लिया था। इसकी बहनें अबीर के लबो लहजे पर फिदा थीं। मास के सामने कई बार वो इसके बोलने के अंदाज़ की तारीफ कर चुकी थी। आज उसने जो कॉल अटेंड की थी, तेज़ तेज़ बोलने वाली इस लड़की का लहजा अबीर से बहुत मुख्तलिफ था, वो यकीनन अबीर नहीं थी। मास को इस नतीजे पर पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। लेकिन कहीं अबीर ने अपनी किसी सहेली को राजदार बनाते हुए इस मामले में इसकी मदद तो नहीं चाही होगी? कहीं वाकई अबीर किसी और से मोहब्बत करती हो और इस शादी पर रजामंद ना हो, उसने अपने दिल का पैगाम किसी और की वसातत से उस तक पहुंचाया है, या वो इस सारे मामले से ना वाकिफ होगी। अबीर के इल्म में लाए बग़ैर किसी और ने कॉल की थी, तो फिर इसका मकसद क्या था? माज बुरी तरह से मुस्तरब हो गया, आखिर थक हार कर मामला अल्लाह के सुपर्द कर दिया। वो एक अजनबी कॉल पर अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा अहम फ़ैसला नहीं बदल सकता था। इसकी मोहब्बत के साथ साथ अब्बास अहमद की इज्जत का भी सवाल था। शादी की तारीख मुकर्रर हो चुकी थी, अब शादी अपनी मुकर्रा तारीख पर ही होनी थी। अगर अबीर शादी पर राजी ना भी थी, तो माज को अपनी मोहब्बत की ताकत पर यकीन था, वो इस लड़की को ख़ुद से मोहब्बत पर मजबूर कर देगा। एक हतमी फैसले पर पहुँच कर माज मुतमईन हो गया, दूसरी तमाम बातें जहन से झटक डाली थी। नसीमा और फरवा का इंतज़ार इंतज़ार ही रहा, मास के घर से कोई किसी किस्म का जवाब तलबी करने नहीं आया था। अगर नाहिद बेगम आती है तो अपनी भतीजी की मोहब्बत में नसीमा खम ठोक कर मैदान में उतरती है, और इस छोटे इल्ज़ाम पर नाहिद बेगम को वो आड़े हाथों लेती कि रिश्ता टूटने की नौबत आ जाती।
भले से मास का रिश्ता दोबारा फरवा के लिए भी नहीं आता, लेकिन अबीर की शादी भी ना हो पाती। नाहिद बेगम ने शादी से पहले एक हाथ चक्कर लगाया ज़रूर, लेकिन वो अबीर को कंगन पहनाकर कंगन का साइज़ चेक करने आई थी। शादी से हफ्ता भर पहले मास को दोबारा वैसी ही कॉल मौसूल हुई। मैंने आपसे कहा था माज, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। आपके हक में यही अच्छा होगा कि आप शादी से इनकार करते, वरना मैं निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी। माज को धमकाया गया था। माज ने लब भींच कर सारी बात सुनी, फिर खुरदरे और सपाट अंदाज में अपना जवाब पहुंचाया। देखिए मोहतरमा, आप जो भी हैं कम से कम अबीर नहीं हैं। बिलफर्जी अबीर की ख्वाहिश है तो मैं खुद इसके लबों से सुनना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं ये कॉल ट्रेस करके आप तक पहुँच रहा हूँ। अबीर की फ़िक्र छोड़ें और अपनी फ़िक्र बनाएं, आपका अंजाम बखैर नहीं होगा। धमकी के जवाब में माज ने भी उसे धमकी से नवाजा था। दूसरी तरफ बौखलाहट के आलम में फ़ोन बंद कर दिया गया। अब्बास मियाँ, बुरा मत मानना, लेकिन पहले तुम्हें फरवा के मुतालिक सोचना चाहिए था। वो अबीर से 2-4 माह बड़ी ही है ना, पहले शादी भी उसकी ही होनी चाहिए थी। ये कनीज़ ममानी थी जो अब्बास अहमद से अबीर की शादी का कार्ड लेकर बेलाग तबसरा भी कर बैठी थी। फरवा भी मेरी जिम्मेदारी है ममानी जान, मेरी यही ख्वाहिश है कि जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता आता है मैं इसके फ़र्ज से सबक दोष हो जाऊँगा, अब्बास ने रसान भरे लहजे में कहा। बेवा बहन और यतीम भांजी को महज घर में रहने देने से दुनिया के लिए काफ़ी नहीं है अब्बास मियाँ। यतीमों के हक़ से मुतालिक हशर में भी सवाल पूछा जाएगा। बहन और भांजी का ख्याल रखा करो। मैंने इनका कौन सा हक गस्प किया है कनीज़ ममानी? अब्बास अहमद ने बहुत मुश्किल से इनका लहजा और अंदाज़ जब्त किया था। अरे मियाँ, लोग मुझसे इसीलिए खफा रहते हैं कि मैं खुदा लगती बात कहती हूँ। नसीमा बेचारी तुम्हारे घर में जैसी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही है, इससे मैं ही नहीं सारा ख़ानदान वाकिफ़ है। तुम या तुम्हारी बीवी कब रिश्तेदारों के पास आकर झांकते हो? अपने जी का बोझ हल्का करने के लिए कभी कभार नसीमा ही आ जाती है। और सच्ची बात है कि हमारा जी तो बहुत दुखता है इसकी बातें सुनकर। तुम्हें अपना समझते हैं इसीलिए नसीहत कर बैठे। अल्लाह की रज़ा की खातिर उनसे अच्छा सलूक किया करो। ममानी उन्हें नसीहत कर रही थी। अब्बास ने उनसे बहस करना मुनासिब ख्याल नहीं किया, लेकिन इनका दिल दुख से भर गया। वो गुमान भी नहीं कर सकते थे कि नसीमा ने रिश्तेदारों में इनके लिए ऐसे ख्यालात का इजहार किया है। बहन और भांजी को उन्होंने हमेशा अपनी बीवी बच्चों पर फोकियत ही दी थी। कभी कभार उन्हें शिद्दत से एहसास जुर्म भी सताता था। वो सबीहा को ज़िंदगी भर वो मोहब्बत और मान ना दे पाए थे जिसकी वो हकदार थीं। अबीर के साथ भी महज बाज़ औक़ात बड़ी ज़्यादती कर जाते थे। उसे यूनिवर्सिटी जाने से रोककर वो कई दिन तक जहनी तौर पर डिस्टर्ब रहे थे। उनकी फरमाबरदार बेटी ने उनके फैसले पर सर तो झुका लिया था, लेकिन इसकी आंखों की उदासी उनसे छुपी न रह पाई थी। दिल ही दिल में बहुत सी तावीलें घड़कर उन्होंने खुद को मुतमईन करना चाहा था, फिर भी दिल के एक गोशे में वो खुद को बेटी का मुजरिम गिरदानते थे। ये सब उन्होंने नसीमा की बातों में आकर नहीं किया था। वो बखूबी जानते थे कि फरमा में पढ़ने की लगन नहीं है। उन्होंने अबीर को महज इसीलिए आगे पढ़ने से रोका कि कहीं भांजी एहसास से कमतरी का शिकार ना हो जाए। नसीमा इस गुमान में मुब्तला थी कि बाहर की दुनिया और माहौल का डरावा देकर उन्होंने भाई को कायल कर लिया है, लेकिन वो अपनी बेटी पर भरपूर एतमाद करते थे। महज फरवा को ख्याल करके उन्होंने अबीर को भी घर बैठने का हुक्म दे दिया। ज़िंदगी के हर मोड़ पर उन्होंने बहन और भांजी को अपने बच्चों पर फोकियत दी थी, फिर भी जाने क्यों बहन उनसे खुश नहीं थी। वो दुखी दिल के साथ लौटे, लेकिन नसीमा से इनके बारे में कोई इस्तफसार नहीं किया। हमेशा सादा से होली में रहने वाली अबीर पर दुल्हन बनकर बेतहाशा रूप आया था। रुखसती के वक्त जब बाप ने इसकी पेशानी पर बोसा देकर उसे सीने से लगाया तो इसके जब्त के सारे बंधन टूट गए। वो इतना बिलख बिलख के रोई कि उसे चुप कराना मुहाल हो गया। मास को इसके आंसू अपने दिल पे गिरते हुए महसूस हो रहे थे, लेकिन फिलहाल अबीर को तसल्ली देना या दिलासा देना ये फ़र्ज मास की माँ बहनें अदा कर रही थी। रुखसत होकर वह गाँव में मास के आबाई घर आई थी। सुहागरात मास इसे इस्तफसार किए बिना न रह पाया। सुना है तुम इस रिश्ते पर राज़ी नहीं थी? उसने अबीर को फौरी इनकार सुनने की आस में सरसरी से लहजे में यही पूछा था। आपको कैसे पता चला? अबीर ने बौखला कर दरियाफ्त किया। इसके जवाब से दिल में गड़ी एक फांस तो निकल ही गई थी, यानी फ़ोन करने वाली हस्ती कोई और थी। मास का अंदाज़ा दुरुस्त था, लेकिन ये जवाब मास के मोहब्बत भरे अरमानों पर भी ओस डाल गया था। वो जो शादी से पहले दिल में ये इरादा बांधे बैठा था कि बिलफर्ज अबीर इस रिश्ते पर राज़ी ना थी, तो वो उसे अपनी इतनी मोहब्बत देगा कि वो इससे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन अबीर के जवाब से इसकी मर्दाना अना को यकदम ऐसी ठेस पहुँची कि वो खुद से किया हुआ कौल व करार सब भूल गया। सच तो यह है अबीर कि मैं खुद इस रिश्ते पर राज़ी नहीं था। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी एक आला तालीम याफ्ता और मेच्योर लड़की से हो। तुम अभी कम उम्र हो, लेकिन मेरी माँ पहली नज़र में तुम पर ऐसी फरीफ्ता हुई कि झटपट रिश्ता मांग लिया। अम्मा की खुशी की खातिर मैं भी इस समझौते पर मजबूर हुआ हूँ। माज ने गहरी सांस खींचते हुए उसे बावर करवाया था। पहली नज़र की फरीफ्तगी को किस ढिटाई से इसने माँ के खाते में डाल दिया। इस बेईमानी पर उसे दिल ने डपटा, लेकिन इसने दिल की पुकार सुनी अनसुनी कर दी।
बहरहाल मैं अपनी कमिटमेंट निभाने वाला बंदा हूँ। मैंने ये बंधन बांधा है तो मैं इसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी ऐसा ही करोगी। इसके कहने पर अबीर सर झुका के रह गई, लेकिन दिन में दूर तक सन्नाटा फैल गया। जाने रिश्तों के मामले में ये तिश्नगी इसका मुकद्दर क्यों थी। शादी से पहले बाप ने उसे पूरी मोहब्बत और चाहत से ना नवाजा था। अब शरीक हयात ने शादी की पहली रात ही जता दिया कि इसने एक समझौते के तहत उससे शादी की थी। तुम्हारी खामोशी से मैं क्या नतीजा अक्स करूँ अबीर, वो पूछ रहा था। मैं कोशिश करूँगी कि मेरी ज़ात से आपको कभी किसी शिकायत का मौका ना मिले। आंसू पीते हुए इसने मास को यकीन दहानी करवाई थी। वलीमे की तकरीब भी गांव में ही हुई थी। कुछ दिनों बाद वो वापस शहर जा रहे थे। मास न सही, मास के घर वालों ने इस अरसे में इस पर इतनी मोहब्बत निछावर की थी कि वो वापस शहर जाते हुए इनसे मिलकर बाकायदा आंसू बहा रही थी। इन पुरखलूस और सादा मिजाज लोगों से इस कलील अरसे में ही उसे उनसियत हो गई थी। मास की चारों बहनें ताया चचा के बेटों से ही बिहाई गई थीं और कुर्बो जवार में ही रहती थीं। मास की बहनें भांजियाँ और भांजे, सबसे बढ़कर नाहिद बेगम जिन्हें वो इनकी ख्वाहिश पर अम्मा कहने लगी थी, उसे इन सबसे ही बेतहाशा उनसियत हो गई थी। मैं वहाँ अकेले कैसे रह पाऊँगी अम्मा, आपने तो वादा किया था ना कि आप मेरे साथ शहर चलेंगी, ऐन वक्त पर इनकार कर दिया आपने, उसने सास से शिकवा किया। धीरानी, मेरी मजबूरी भी तो देखो, जैनब को 8वां महीना लगा है, ये खैर खैरियत से निमट जाए, फिर मैंने तुम्हारे साथ शहर में ही रहना है, उन्होंने उसे प्यार से समझाया। अम्मा की बातों पर यकीन मत करना अबीर, इन्हें इकलौते बेटे से ज़्यादा अपनी बेटियाँ प्यारी हैं। स्टूडेंट लाइफ में तो चलो मैं हॉस्टल में रहता था, लेकिन जॉब के बाद मैं कितने अरसे से अकेला हूँ। अम्मा बमुश्किल हफ्ता भर मेरे पास क़याम करती हैं, फिर वापस अपनी बेटियों के पास आ जाती हैं। माज ने फिर खफ की बड़ा शिकवा अदा किया। ना तो ये बता, तू सारा दिन अपने दफ्तर में होता था, मैं वहाँ बैठ कर क्या मक्खियाँ मारती, जब मेरा वाकई जी नहीं लगता था, लेकिन अब तो मेरी बेटी वहाँ होगी, मैं क्यों नहीं रहूँगी। भाई तुम लोग खैर से जाओ, इतने दिन तो यहाँ पिंड में ही बैठकर जाया करती है, मेरी मान मास तो अभी छुट्टियाँ बढ़वा कर साथ के साथ मूनसून भी निमटा ले, नसीहत के अंदाज़ में नाहिद बेगम ने बेटे को हिदायत की। अबीर ने ना समझी से सास की जानिब देखा। अम्मा की मुराद हनीमून से है, मास ने इसकी हैरत भाप कर वजाहत की। माँ की डिक्शनरी में ऐसे बहुत से लफ्ज़ होते थे जिनका मतलब सिर्फ इनकी औलाद ही समझती थी। अबीर को यह जवाब सुनकर ज़रा सी शर्म मगर ढेरों हंसी आई। सास के सामने मुंह फाड़कर हंसना या कहके लगाना यकीनन बद तहजीबी के ज़ुमरे में आता, लेकिन हंसी जब्त करने की कोशिश में इसकी आंखें पानियों से भर गईं। मास ने नज़र भरकर उसे देखा, फिर नज़रें चुरा ली। जाने ये लड़की वाकई इतनी हसीन है या मुझे लगती है, वो फैसला नहीं कर पाया था। मास ने फ़िलहाल मजीद छुट्टी के लिए अप्लाई नहीं किया था। शादी के शुरू के दिन दावतों को ही नज़र हो गए थे। ऑफिस से लौटता तो किसी दोस्त को ले गया, अबीर के मैके वालों के बुलावे पर अबीर को साथ लेकर दावत भुगताने जाना पड़ता। अल्लाह अल्लाह करके सिलसिला ख़त्म हुआ। आज वापस ऑफिस जाने का पहला दिन था। मास ने उसे मुखातिब किया। अम्मा ने मुझे खसूसी हिदायत की थी कि जब तक अबीर की मेहंदी का रंग हल्का नहीं होता, इस पर किचन की जिम्मेदारी मत डालना। मैं इतने दिनों से मुंतजर था कि कब तुम्हारी मेहंदी का रंग हल्का पड़ता है, मगर शायद तुम मिटे हुए डिज़ाइन पर फिर से कौन फेर लेती हो, मेहंदी तो मिटने का नाम ही नहीं ले रही। माज बज़ाहिर संजीदा था, अभी इसकी बात सुनकर खफ़तदा रह गई। सच यही था कि वो फारिग वक्त में अपनी हथेलियों पर नक्शो निगार बनाती रहती थी। जाहिर है अभी वो नई नवेली दुल्हन थी, दावतों पर जाना होता था, मेकअप तो उसे खास करना आता नहीं था, हिना से महकती हथेलियाँ ही दुल्हापे का तासुर कायम करती थीं। अपनी दानिश में वो इस आसान नुस्खे पर अमल पैरा थी, लेकिन आज माज ने इस बात का हवाला देकर उसे शर्मिंदा कर डाला। डिनर तो घर पर करने की नौबत ही नहीं आई, नाश्ता हम दोनों हल्का फुल्का कर लेते हैं, लेकिन मैंने नोट किया है कि तुम अपने लिए लंच पर भी कोई अहतमाम नहीं करती, मेरे ख्याल है सिर्फ फ्रूट्स पर ही गुजारा करती होगी। माज ने किया दुरुस्त अंदाज़ा लगाया था और जवाब में अबीर खामोश रह गई। बहरहाल आज हम कहीं इनवाइटेड नहीं, लंच पर अपने लिए कुछ ज़रूर बना लेना और डिनर पर भी कुछ अच्छा बनाना, आज डिनर घर पर ही करेंगे। माज के कहने पर अबीर ने बमुश्किल थूक निकला। सास नंदू की बातों से उसे अंदाज़ा हो गया था कि माज अच्छे खाने का शौकीन है, जबकि उसे कुकिंग में महारत न होने के बराबर थी। शादी से पहले अम्मी ने अम्मा को बता दिया था कि मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना नहीं आता। अम्मा ने कहा था वो खुद सिखा देंगी, लेकिन अम्मा तो फिलहाल हमारे साथ आई ही नहीं, उसने एहसास जुर्म के अंदाज से बात करती। माज ने इस मासूमाना सी तावील पर बहुत मुश्किल से मुस्कुराहट जब्त की। ठीक है, तुम कोई आसान डिश बना लो, ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं, उसने उससे हौसला दिया। आसान सी डिश, वो सोच में पड़ गई। दाल चावल बता देना यार, इससे आसान डिश और क्या हो सकती है, माज ने मसले का हल निकाला। हाँ दाल चावल तो बना लूँगी, लेकिन क्या आप रोज़ दाल चावल खाएंगे, वो बेसाख्ता पूछ बैठी। मास को हंसी रोकने के लिए खांसी का सहारा लेना पड़ा। अबीर को अपनी हिमाकत का एहसास हो ही गया।
आप ये मत समझिएगा कि मैं बिल्कुल पुअर हूँ या ये कि शादी से पहले मैं घर का कोई काम नहीं करती थी। खाना पकाने के अलावा किचन समेटने से लेकर घर की सफाई सुथराई वगैरह जैसे सारे काम करती थी और फिर मेरे सुपर यही थे, लेकिन खाना नसीमा पप्पू बनाती थी या फिर फरवा। मुझे कुकिंग सीखने का मौका ही नहीं मिल सका, उसने सफाई पेश करना चाहिए। ओके, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं कि हम इस कदर संजीदगी से इस मौजू को बहस बनाएं। मैं इतने बरसों से यहाँ शहर में अकेला रह रहा हूँ, जाहिर है रोज़ रोज़ होटलिंग तो नहीं करता था ना। तजुर्बे करके मैं ख़ुद को अच्छा कुक साबित कर चुका हूँ और एकदम एक्सपर्ट हूँ, इसलिए परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं। अम्मा ना सही, अम्मा का बेटा तो है ना, मैं रोटी बनाने के अलावा तुम्हें सब कुछ सिखा दूँगा। माज ने परेशान सूरत बनाए खड़ी बीवी को भरपूर तसल्ली दी। रोटी बनाने का तो कोई मसला नहीं, इसमें तो मैं भी एक्सपर्ट हूँ, इसने जोश भरे अंदाज में ला दी। ओके, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। वो नरमी से इसका गाल थपथपाते हुए ऑफिस के लिए रवाना हो गया। ये शख्स उसे अपनी किसी नेकी का इनाम लगता था। सुहाग रात को इसकी जिन बातों से वो यासियत का शिकार हुई थी, अब वो यासियत रुखसत हो चुकी थी। मास ने शादी को एक समझौता करार दिया था, लेकिन समझौते में भी इसने अबीर से इतना मोहब्बत भरा बर्ताव इख्तियार किया हुआ था कि अबीर को अपनी किस्मत पर रश्क आता था। पता नहीं निकाह के दो बोलों की करामत थी या मास की शख्सियत का कमाल था कि वो चंद ही दिनों में इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी। लेकिन अब वो खुद मास की पसंद के सांचे में ढलना चाहती थी और इस एकतरफा मोहब्बत को दो तरफा बनाने का अज़्म किए बैठी थी। वो अपनी माँ जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, वो अपने शोहर की तवज्जो और मोहब्बत को एक हक की तरह वसूल करेगी, चाहे इसके लिए उसे जो भी जतन करने पड़ते वो तैयार थी। फरी मेरा बच्चा, क्या हो गया है तुझे, ये सर झाड़ मुंह फाड़ होलिया बनाए रखती है, चलो नहा धोकर कपड़े बदल, तीन दिन से यही जोड़ा पहना हुआ है। नसीमा ने प्यार से बेटी को मुखातिब किया। फरवा की कई दिनों से यही हालत थी, वो गुमसुम होकर रह गई थी। नसीमा बेटी की हालत देखकर तशवीश में मुब्तला हो जा रही थी। तूने मास की धमकी को ज़्यादा ही दिल पे ले लिया, अगर वो फ़ोन कॉल ट्रेस करके तुझ तक पहुँचने वाला होता तो कब का भांडा फूट चुका होता। अब भूल जाए सारे किस्से को और दफा कर इस मास को भी, वो दुनिया का आखिरी शानदार मर्द तो था नहीं ना, अल्लाह ने चाहा तो मेरी बेटी को इससे अच्छा शख्स मिलेगा, नसीमा उसे पुचकार रही थी। आप गलत समझ रही हैं अम्मी, माँ से कौन सा मेरी दिली वाबस्तगी थी जो मैं अब तक इसके ना मिलने का शोक मनाऊंगी। बस मेरा दिल वैसे ही आजकल बहुत खाली खाली सा हो रहा है, अजीब सी वहशत घेरे रखती है मुझे, मैं अपने दिल की कैफियत खुद समझने से कासिर हूँ, वो बेचारगी से बोली थी। सच यही था कि मास की धमकी के बाद वो दोनों माँ बेटी खौफजदा हो गई थी। जिस सिम से फरवा उसे कॉल करती थी वो फरवा के नाम पर ही निकली हुई थी, फरवा ने डर के मारे सिम ही ज़ाया करती। अबीर की शादी में इसने बीमारी का बहाना बनाकर रस्मी सी शिरकत की थी, मास का सामना करने से भी वो गुरेज ही करती, कहीं वो इसका लहजा ना भाप जाए। लेकिन इतने दिन गुजरने के बाद ये खौफ तो ज़ाहिर हो ही गया, मास की धमकी यकीनन धमकी ही थी, लेकिन जाने क्यों दिल में यासियत ने ढेरे डाल लिए थे। अपनी वहशत का सबब जानने से वो खुद भी कासिर थी। अच्छा मेरी बात सुन, वो पड़ोस वाली मिसेज हमदानी हमारे यहाँ दर्स का बुलावा देने आई थी, सभी है भाभी के साथ, तो मैं भी वहाँ चली जाऊँगी, तुम भी चली चलना, आस पड़ोस वाली सभी औरतें इकट्ठी होती हैं। मिसेज हमदानी का बेटा डॉक्टर बन चुका है और निखत बता रही थी कि वो अपने बेटे के लिए कोई घरेलू सी लड़की ढूंढ रही हैं। वाजिद साहब के दोनों बेटे भी पढ़ लिख कर अच्छे महकमों में नौकरी करने लगे हैं, कहीं आने जाने से ही तुम लोगों की नज़रों में आओगी ना, हो सकता है अल्लाह कहीं ना कहीं सबब भी बना दे। नसीबा अब अपनी बेटी की मुंतज़िर थी और उसके लिए मुतफक्किर भी। ये सब नसीबों के खेल हैं अम्मी, अबीर कौन सा कहीं जाती थी, घर बैठे बिठाए इसका रिश्ता हो गया, मेरी आपकी कोशिश से क्या हुआ। मुझे ये हकीकत समझ आ गई है कि मनफी हथकंडे इस्तेमाल करके कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता। आपने सारी ज़िंदगी खुद भी मनफी हरबे इस्तेमाल किए और मुझे भी इस पर लगाया, लेकिन अब मैं थक गई हूँ, प्लीज़ अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। अच्छा बस, ज़्यादा अल्लामा ना बन, अब मैंने कौन सा गलत बात कर दी है, यही कहा है ना, कहीं आएगी जाएगी तभी लड़कों की माओं की नज़रों में आएगी, घर बैठे तो रिश्ता नहीं टपक पड़ेगा ना। अब हर किसी का नसीब अबीर की तरह जोरावर थोड़ी होता है, नसीबा के लहजे से मैं लाल झलकने लगा था। अच्छा ठीक है अम्मी, चली जाऊंगी मैं मिसेज हमदानी के यहाँ, बस खुश अब, इसने बेसारी से माँ की बात काटते हुए जाने पर रजामंदी दे डाली थी। कीना, बदगुमानी, हसद और बुख्स, ये सब दिल की वहशत का सबब है मेरी बहनों। हम किसी का लाख बुरा सोचें, ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे नियत शख्स के सामने कभी आया हो जाए, लेकिन मेरी बहनों अल्लाह तो नियतों के हाल भी जानता है और हमारे अफ़ालो अमाल से भी बाखबर है। रोज़े महशर जब ये बज़ाहिर मामूली नज़र आने वाली बुराइयाँ मीज़ान पर तोली जाएंगी तो हम पछताने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। ज़िंदगी की सूरत जो मोहलत तुम्हें मिली है इस पर नज़र सानी करो, इबादत के साथ साथ अपने मामलात भी दुरुस्त करो। वाज देने वाली बाजी औरतों से मुखातिब थी, बज़ाहिर इस बयान में कोई नई बात नहीं थी, वही बचपन से पढ़ी जाने वाली बातें, लेकिन या तो अल्लाह की इस नेकबंदी के बयान में वाकई असर था या ये मुहासबे की घड़ी थी। बयान सुनते ही फरवा पर रिक्कत तारी होने लगे, घर लौट आई तब भी दिल की बेकरारी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
क्या हुआ है फरवा बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सबिया ने इसके चेहरे पर गैर मामूलीपन देखते हुए पूछा था। दिल घबरा रहा है मामी, वो रूहानसी होके बोली। नमाज़ पढ़ लो बेटा, दिल को खुद ब खुद करार आ जाएगा। सबिया ने उसे नरमी से मुखातिब किया। फरवा ने निगाहें उठाकर उन्हें देखा। सबिया घर के जमेलों के बावजूद बाकायदगी से नमाज अदा करती थी। यही आदत अबीर को भी डाली थी, शायद इसीलिए इन माँ बेटियों के चेहरों पर इतना सुकून छाया रहता था। इनकी बात मानते हुए वो भी नमाज अदा करने बैठ गई। नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाए तो इसकी हिचकी बन गई। क्या हो गया है फरवा, क्यों ऐसे बिलख बिलख के रो रही है? बेटी की हालत देखकर नसीमा परेशान हो गई। जब भी अब्बास भी उधर आ गए, मामू को देखकर फरवा के रोने में शिद्दत आ गई। फरवा क्या बात है बेटा, इस बुरी तरह से क्यों रो रही हो मेरी बेटी? अब्बास ने उसे अपनी बाहों में घेर लिया। मैं बहुत बुरी हूँ मामू, मुझे माफ़ कर दें। मामू के सीने से चिमट कर वो मज़ीद बेकरारी से रोने लगी। किसने कहा तुम बुरी हो, तुम तो मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। अब्बास उसे पिचकार रहे थे। मैंने आपकी मोहब्बत का हमेशा नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, अबीर की हिस्से की खुशियाँ जबरन चुराई हैं। अम्मी ने और मैंने आपको और आपकी बीवी बच्चों से बदगुमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इनके हक पर डाका डालते रहे। अरे फरी, पावली हो गई है क्या, ऑलफल बक रही है? अब्बास भाई, मुझे तो लगता है इसका दिमाग पर असर हो गया है। नसीमा बेटी की गुलफिशानियाँ सुनकर हवास बाख्ता ही तो हो गई थी। नहीं अम्मी, मुझे बोलने दें, आपने मेरी बहुत गलत तरबियत की। मुझे यही सिखाया कि मामू की मोहब्बत और कमाई पर सिर्फ हमारा हक है। मुझे बिलावजह अबीर से हसद करने पर मजबूर कर दिया। सभी हम उमानी के सब्र और इनकी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मामू की हमेशा इनसे बदगुमान करने की कोशिश की। मामू और इनके ख़ानदान का एहसान मानने के बजाय दुनिया के सामने हमेशा इनके बारे में मनफी तासुर फैलाया। अल्लाह ने मुझे तो मुहासबे की तौफीक दे दी, अब आप जाने और आपके अमाल, लेकिन मुझे मामू मुमानी से माफ़ी मांगने से मत रोकें। मेरा दिल पर बहुत बड़ा बोझ है अम्मी, मैंने अबीर के साथ भी बहुत बुरा करने की कोशिश की। मामू, क्या आपको पता है? वो बोल रही थी और नसीमा हक्का बक्का थी, लेकिन इनके कुछ बोलने से पहले ही सबिया ने नरमी से फरवा को टोक दिया। बहन भाइयों के बीच लड़ाई झगड़े और मुकाबलेबाजी कोई अनहोनी बात नहीं फरवा, तुमने जाने अनजाने में जो कुछ भी किया अब तुम्हें इस पर शर्मिंदा हो। इन गलतियों के अजाले के तौर पर नदामत ही काफ़ी है, इसलिए दिमाग पर बोझ मत डालो। मैं अबीर या तुम्हारे मामू कोई भी तुमसे नाराज़ नहीं। सबिया ने बात ही समेट डाली थी। अब्बास ने निगाहें उठा के शरीक हयात को देखा। सारी उम्र जिसको खुद से कमतर गिरदानते रहे वो तो इनके नसीब का सबसे रोशन सितारा थी, लेकिन फरवा की तरह अपनी गलतियों के बरमला अतराफ़ करने की इनमें अभी जरूरत नहीं थी। शायद तन्हाई में वो इस अतराफ़ के साथ मोहब्बत का इकरार भी कर लेते। फ़िलहाल तो उन्होंने सबिया की बात की तायद करते हुए फरवा को शर्मिंदगी के भंवर से निकाला। चलो बासु पूछो और अपने किचन का चार्ज संभालो, कितने दिन हो गए तुमने कुछ अच्छा सा नहीं बनाया, उन्होंने उसे मुस्कुराकर मुखातिब किया। नसीमा खफत ज़दा सी खड़ी रह गई। बेटी ने इनके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। ये भाई भावज की आला ज़र्फ़ी थी कि सब कुछ सुनकर भी अनसुनी कर दिया। अब ज़िंदगी भर वो इनके सामने सर नहीं उठा सकती थी। नदामत के दो आंसू इनकी आँखों से भी टपक ही पड़े थे। आज अबीर की पहली कुकिंग क्लास थी। मास्को ऑफिस से ऑफ था और वो लंच का मेन्यू तरतीब देकर अबीर को भी अपने साथ किचन में लगाए हुए था। अबीर सब्जियों की कटिंग कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान इस काम में नहीं लग रहा था। उसने कई बार माँ से कुछ कहने के लिए लब खोलना चाहे, नाकामी पर फिर सर झुकाए सब्जियों की कटिंग करती रही। कुछ कहना चाहती हो तो तुम्हारे पास 7 मिनट हैं। 7 मिनट बाद मेरा मैरिनेट किया हुआ चिकन फ्रिज से निकालकर अगले मरहले की तैयारी शुरू करनी है। माज जाने कैसे इसके दिल की बात पा गया था। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ माज, वो माज की पेशकश से फौरी फ़ायदा उठाते हुए बोल पड़ी। हाँ तो मैंने कब मना किया है, बुक्स तुम्हारे पास हैं, अच्छी से तैयारी करो, पेपर्स में तो अभी कुछ अरसा पड़ा है, तुम आसानी से तैयारी कर सकती हो, माज ने हंसते तवक्को जवाब दिया था। आप आला तालीम याफ्ता शरीक हयात के ख्वाहिशमंद थे ना, आप प्लीज़ मुझे बताएं आपके जहन में आला तालीम का क्या पैमाना है, मैं वहीं तक पढ़ना चाहती हूँ, वो धीमे लहजे में बोली थी। माज ने उसे बगौर देखा। और मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इमेच्योर हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं अपनी मेच्योरिटी आपको दिखाऊंगी और अपनी इमेच्योरिटी पर काबू पाकर एक मेच्योर और समझदार बीवी बनकर दिखाऊंगी। और आप ये सब क्यों करेंगी मिसेस, माज ने भरपूर संजीदगी से पूछा। मैं जानती हूँ माज कि आपने महज अम्मा की पसंद पर सर चुकाया है, लेकिन मैं किसी समझौते के तहत आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बने रहना चाहती। मैं आपके मनपसंद साँचे के मुताबिक ख़ुद को ढाल लूँगी, फिर तो आपके लिए बंधन महज समझौता नहीं रहेगा ना, वो बहुत आस भरे लहजे में पूछ रही थी। समझौता तो तुमने भी किया था अबीर, तुम भी तो इस शादी पर राज़ी नहीं थी, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, यह बंधन तुम्हारे लिए महज समझौता ना रहे। माज ने मौका गनीमत जानकर इससे इसकी दिल की बात निकलवाई। वो वाहिद रुकावट जिसकी वजह से वो अब तक इस कामनी सी लड़की से सारे मोहब्बत नहीं कर पाया था। आपसे किसने कहा मैं शादी पर राज़ी नहीं थी? हाँ, शुरू में जब आपका प्रपोज़ल आया था तब फरवा की बातों में आकर मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, लेकिन जब अम्मी ने बताया। क्या मतलब फरवा की बातें, माज ने उसकी बात काटी।
छोड़ें भी माज़म, इन बातों का क्या तस्करा। अबीर ने पहलू बजाया, मैं वो बातें सुनना चाहूँगा अबीर। माँ संजीदा था। वो दरअसल नसीमा पप्पा बहुत पहले कभी आप लोगों के घर गई थी, तो जब आप, अबीर ने झिझकते हुए माँ को देखा, वो इसकी बात पूरी किए जाने का मुंतजर था। बचपन में आप सारा सारा दिन नेकर और बनियान में घूमते थे, आंखों में ढेर सारा सुरमा लगाते थे, और मांस भी संजीदा था, और वो जौहर के पानी में मेंढक के बच्चे पकड़ते थे। अबीर ने बेहद झिझकते हुए बात मुकम्मल की। मांस का बस नहीं चल रहा था कि किचन में पड़ी कोई वसनी चीज़ उठाकर अपने सर पर दे मारे। अबीर की शादी पर राजी ना होने की किस कदर ठोस वजूहत थी। वो कहाँ कहाँ कयास के घोड़े ना दौड़ाता रहा था। दिल ने हमेशा इस लड़की के किरदार की गवाही दी थी, मगर सुहागरात का एक फिक्रा फांस बनकर सीने में अटक गया था। वो फांस आज निकली थी। अपनी हिमाकत के बिना पर वो कितनी सुनहरे वक्त को बर्बाद कर चुका था। अगर आज अबीर हिम्मत करके ये बात ना छेड़ती, तो जाने कब तक दोनों के बीच ये मालूम नहीं फासले कब तक कायम रहते। आप खामोश क्यों हो गए मास? इसकी मुतवक्को नाराज़गी से खाइफ होकर अबीर ने डरते डरते पूछा। खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली कहावत तो पहले भी सुनी थी अबीर, लेकिन पहाड़ खोदने पर पहली बार मेंढक का बच्चा बरामद होते देखा है। यानी तुम इन बातों की वजह से रिश्ते पर राजी नहीं थी? वो अपनी बेपनाह आसूदगी छुपाकर बज़ाहिर खफकी भरे लहजे में पूछ रहा था। और आपने गुलेल से निशाना लेकर फरवा का माथा भी तो फोड़ा था। अबीर को कुछ और याद आया। अगर मुझे उस वक्त पता होता कि वो मोहतरमा मेरे मुस्तकबिल के हसीन तरीन दिनों को यूं खारत कर देंगी, तो मैं गुलेल के बजाय किसी बेहतर हथियार का इंतखाब करता। वो भन्ना कर बोला, वैसे तुम्हारी ये कज़न कुछ सरफेरी सी नहीं है? माज ने कतरे मोहतात लहजे में कहा। वो ये सुराख भी पा गया था कि उसे बदगुमान करने की कोशिश करने वाली हस्ती कौन है, क्योंकि वो अबीर की बातों से समझ गया था। लेकिन वो अबीर को यह सब बताकर हर्ट नहीं करना चाहता था। फरवा बहुत बदल गई है, मुझसे फ़ोन पर जाने किन किन बातों की माजरत कर रही थी। मैंने उसे बहुत मुश्किल से यकीन दिलाया कि मैं उससे कतन नाराज़ नहीं। सच कहूँ तो शादी के बाद मेरी फरवा या नसीमा फूफो से सारी शिकायतें दम तोड़ गई हैं। शायद मैं भी ज़्यादा हसास थी, छोटी छोटी बातों पर पहरों करती रहती थी। शादी के बाद मैं अपने मैके की हर फर्द को मिस करती हूँ, हत्ता कि नसीमा फूफो और फरवा को भी। वो साफ कोई से बोली थी। माज ने उसे मुस्कुरा कर देखा। अगर वो इस लड़की से मोहब्बत कर बैठा था, तो वो यकीनन मोहब्बत के ही काबिल थी। अब उसे अपनी मोहब्बत की दास्तान से आगाह करना बाकी था। 7 मिनट से कुछ ज़्यादा वक्त हो गया माज, बाकी बातें बाद में कर लेंगे, अबीर ने इसको गुजरते हुए वक्त का एहसास दिलवाया। माज ने गहरी सांस खींचते हुए इस्बात में सर हिला दिया। जब वो मोहब्बत के इजहार को इतना लेट कर चुका था, तो ज़रा सी मज़ीद ताखिर में कोई हर्ज नहीं था। किचन एक नहायत अनरोमांटिक जगह थी, और जब बाद में इसने वालेहाना अंदाज में अपनी पहली निगाह की मोहब्बत से शुरू होने वाली दास्तान मोहब्बत सुनाई, तो अबीर कितनी देर तक यकीन न कर सकी। तो आप वाकई शादी के अव्वल रोज़ से ही मुझे चाहते थे? वो बेयकीन थी। अव्वल रोज़ से भी बहुत पहले से, माज ने तसीह की। अब इतनी बेयकीनी से आंखें फाड़ कर मुझे मत देखो। ये मोहब्बत ही थी जो मैं इतने दिनों से चुपचाप ब्रेड जैम का नाश्ता करके ऑफिस जा रहा हूँ, हालांकि आमलेट पराठे के अलावा कोई दूसरा नाश्ता मेरे हलक से नहीं उतरता। इंतहाई रखबत से तुम्हारे हाथ के बने दाल चावल भी खा लेता हूँ। तुम्हें कोई ताना मारने के बजाय इतनी मोहब्बत से तुम्हें खाना पकाना भी सिखा रहा हूँ। तो ये सब आप मोहब्बत में कर रहे हैं? मैं खामखा सोचती रही कि आपकी नेचर ही इतनी अच्छी है। अबीर को ज़रा सी मायूसी हुई, लेकिन मांस के घूरने पर वो खिलखिला कर हंस पड़ी। मांस भी इस मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखकर मुस्कुरा दिया। मांस ऑफिस से वापसी पर अबीर को मैके लेने आया हुआ था। अबीर माँ के साथ कुछ ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करने मार्केट तक गई थी। इत्तेफाक से नसीमा और अब्बास भी घर पे नहीं थे। फरवा एहसान को होमवर्क करवा रही थी। मांस अबीर के इंतज़ार में ड्राइंग रूम में जा बैठा। जब चाय का कप लिए फरवा आई, झुकी हुई निगाहों के साथ इसने अबीर से माफ़ी मांगना चाही। वो अपनी गलती का एतराफ़ कर रही थी, लेकिन मांस ने इसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी। जो हुआ उसे भूल जाओ, वैसे भी बहनें भाइयों से माफ़ी मांगते अच्छी नहीं लगती। मैं तुम्हारा बहनोई बाद में हूँ और भाई पहले। तुम मेरे मरहूम मामू की बेटी हो, मेरे लिए बिल्कुल मेरी बहनों जैसी। और वैसे भी अगर अबीर या मेरे बीच बदगुमानी जन्म लेती, तो मेरा तुमसे नाराज़ होने का जवाब बनता भी था। इसलिए अब दोबारा ये तस्करा करके शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। ना ही अबीर को वजाहत देने बैठ जाना, मैंने अबीर से इस बारे में कोई तस्करा नहीं किया है। वो उसे नसीहत कर रहा था। फरवा ने ममनून होकर उसे देखा। अबीर जितनी अच्छी थी, वो यकीनन मास जैसा हम सफ़र ही डिज़र्व करती थी। लेकिन आज उसने अबीर से हसद करने के बजाय दिल से इसकी दायमी खुशियों के लिए दुआ मांगी थी। फहमीदा खाला की तरफ गए एक अरसा हो गया था। उसने इस आलिशान घर का मकीन बनने के लिए जितने जतन किए थे, वो सब बेकार गए थे। वो वलीद के घर की मकीन तो ना बन सकी, लेकिन खबर ही नहीं हुई कि कब वलीद इसके दिल का मकीन बनकर बैठ गया। वो इसकी यादों से लाख पीछे छुड़ाने की कोशिश करती, खुद को बावर करवाती कि वो सिर्फ इसके स्टेटस की वजह से इसकी जानिब माइल नहीं हुई थी। लेकिन अब अपनी चलाकी को तस्लीम करने के बावजूद दिल ये तस्लीम करने से इनकार ही था कि वलीद से कोई जज्बाती रिश्ता इस्तवार नहीं हुआ था। उसे तो खुद खबर ना हुई कि वो कब इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई।
वो इसकी यादों से पीछा छुड़ाने की हर कोशिश में बुरी तरह से नाकाम हुई थी। फिर अल्लाह से ही इल्तिजा करती कि वो इसके दिल से वलीद का नक्श मिटा दे। ऐसे में एक दिन फहमीदा खाला और तौफीक अंकल की आमद हुई। वो इनकी आमद पर हैरान हुई तो आमद का मकसद जानकर शशतर रह गई। फहमीदा खाला ने वलीद के लिए इसका रिश्ता मांगा था, लेकिन आपा आपने तो वलीद की बात पक्की कर दी थी ना। नसीमा हैरान थी। नसीमा की आंखों में मारे तशक्कुर के आंसू आ गए थे। नियत तो पहले भी इनकी खोटी थी, लाख जतन करने के बावजूद मकसद हासिल नहीं हुआ था, और अब जब चलाके अयारे से ताइब होकर नेक नियत कर ली थी तो मंजिल एक कदम की मसाफत तय किए बिना मिल गई थी। अल्लाह ने इनकी तौबा की कितनी जल्दी कबूलियत बख्श दी थी। रब की इस करम नवाजी पर इनका दिल सजदा शुक्र बजा ला रहा था। उन्होंने जवाब की जिम्मेदारी अब्बास अहमद को सौंपी थी। फरवा कहने को मेरी बेटी है फहमीदा आपा, लेकिन इसकी हर जिम्मेदारी अब्बास भाई ने उठाई है। इसकी ज़िंदगी के इस अहम मसले और फैसले का इख्तियार भी भाई और भाभी को ही है। इनके कहने पर फहमीदा ने मुस्कुराकर अब्बास अहमद को देखा। क्या कहते हो अब्बास, वलीद को शर्फ कबूलियत बख्शोगे? आप सोचने की मोहलत ले लें अब्बास भाई, अपने जवाब से हमें बाद में आगाह कर दीजिएगा। तौफीक गोया हुए थे। अरे नहीं भाई, सोचने की कैसी मोहलत, मैंने तो अपनी अबीर का रिश्ता भी माँ से एक बार मिलने पर ही तय कर दिया था, जबकि वलीद तो हमारा देखा भाला बच्चा है। मेरा तो अकीदा है कि जब खुद खुशबख्ती आपके दर पर आकर दस्तक दे तो दरवाज़ा खोलने में देर नहीं करनी चाहिए। हमें रिश्ता बखुशी कबूल है। ठीक कह रहा हूँ ना सबीहा, उन्होंने शरीक हयात की राय चाही। सबीहा ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया, फिर सबका मुँह मीठा करवाने लगी। मुबारक हो भाई सबको, बस अब बाहमी मशवरे से शादी की तारीख भी तय कर लें, क्योंकि हम इस नेक काम को ज़्यादा देर नहीं करना चाहते। तौफीक साहब मुस्कुराकर बोले। फरवा आपकी ही बेटी है तौफीक भाई, लेकिन अबीर और माँ से मशवरा किए बिना डेट तो नहीं फिक्स कर सकते ना। आप तो जानते हैं ऐसे मामलों में ब्याही बेटी और दामाद को आगे रखना पड़ता है। इंशाल्लाह अबीर और माँ की मौजूदगी में बाकी मामला तय कर लेंगे। फहमीदा आप और तौफीक साहब ने खुश दिली से मुस्कुराते हुए इस बात में गर्दन हिला दी थी। अब्बास अहमद के ड्राइंग रूम में बहुत संजीदगी से शादी की तारीख फ़ाइनल की जा रही थी। शादियों का सीज़न था, अगले महीने बहुत सी शादियां मुनक्किद होनी थी। एक संडे 10 को था जब शाइस्ता बाजी ने अपने बेटे का वलीमा रखा हुआ है। 17 को शायद सफ़िया चची की बेटी की शादी है। तौफीक भाई की ख्वाहिश है कि वलीमा इतवार को ही हो, फिर 24 वाला इतवार देख लें। मेरा ख्याल है वो दिन फ्री है, इसमें कोई फंक्शन नहीं, सबीहा ने राय जाहिर की। अबीर ने मोहब्बत से माँ को देखा। कम गोसी सबीहा के लहजे में ये अतमाद उसे बहुत भला लगा। 20 के बाद तो मैंने छुट्टियाँ अप्लाई कर दी हैं अबीर, हमारा तो हनीमून मजीद लेट हो जाएगा यार। माज ने अबीर के कान में सरगोशी करी। क्या कहा बेटा, मानसून? अरे ये कौन सा मानसून का सीज़न थोड़ी है। नसीमा पप्पू की समाहत अब हद तक काबिल रश्क थी, ये माज के वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरा मतलब है आंटी के वेदर फॉरकास्ट देखकर जो तारीख रखें, आजकल तो जब भी बारिश होती है मौसलाधार होती है, फंक्शन मुतासिर नहीं होना चाहिए। माज ने ज़रा संभलते हुए बात बनाई। तौफीक साहब ने इसकी बात की फ़ौरन तायद की और मोबाइल निकाल कर अगले माह बारिश की पेशन गोई देखने लगे। अबीर ने अपने स्मार्ट शोहर को घूर कर देखा था। माज ने उसे आँख मार के मुस्कुराया। अबीर ने बौखला कर उसे घूरना छोड़ा और हाजरी ने महफिल को देखा। सच शुक्र के कोई भी मुतवज्जा नहीं था। अबीर के लबों पर एक आसूदा मुस्कुराहट फैल गई। फरवा मेहमानों की खातिरदारी के लिए किचन में मसरूफ़ थी। वो फरवा के पास किचन में गई और उसे छेड़ने लगी। कितनी निकम्मी हो तुम अबीर, पहले वहाँ सब बड़ों में बड़ी मोतबर बनकर बैठ गए और अब मेरा हाथ बटाने के बजाय मुझे छेड़ने में लगी हुई हो। फरवा को इसकी छेड़छाड़ पर हंसी आ गई। शादी के बाद लड़कियाँ खुद ब खुद मोतबर बन जाती हैं। फिक्र ना करो, अगले महीने मोतबर बन कर और समझदारी का ये सर्टिफिकेट हासिल करके तुम भी मोतबर बन जाओगी। अबीर ने एक शामी कबाब उचकना चाहा। फरवा ने इसकी कोशिश नाकाम बना दी। किचन की तरफ आती नसीमा ने यह मंजर देखा। इस आंगन में मोहब्बत अपनायत का यह मुजाहरा इतने बरसों बाद हुआ था तो ताखिर की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो ही थी। नदामत के एहसास ने शायद हमेशा उन्हें न ख़त्म होने वाले खल्क में मुब्तला रखना था, लेकिन खुशाइन पहलू ये था कि हसद, बुख्स, कीना और कदूरत जैसे जज्बे इनके दिल के साथ साथ इस आंगन से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए थे। अब यह मोहब्बत का बसेरा और अपनायत का राज रहना था। लड़कियों को जल्दी जल्दी हाथ चलाने की हिदायत करके वह आसूदगी से मुस्कुराती हुई वापस ड्राइंग रूम की तरफ चलती थी। ख़त्म शो। अगर आपको यह मुकम्मल नावल पसंद आया है तो प्लीज़ 2 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।